हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूवी रंगस्थलम, आप लोग कैसे और कहां से देख पाएंगे वो भी फ्री में। साथ ही इस फिल्म के रिव्यू, फैक्ट, स्टोरी बताएंगे। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। रंगस्थलम एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की अवधि की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। महात्री मूवी मेकर्स कंपनी के लिए वाई नवीन वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित फिल्म में रामचरण और सामंथा अक्किनेनी के साथ आदि पिनिसेट्टी, जगतपति बाबू, प्रकाश राज नरेश और अनुसुईया भारद्वाज प्रमुख भूमिका में है। रंगस्थलम 1980 के दशक में नामांकित काल्पनिक गाँव में स्थापित है। यह दो भाइयों चिट्टी बाबू और कुमार बाबू की कहानी बताती है, जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणीन्द्र भूपति ने नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई। कार्यकारी समय 178 मिनट का। भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई। बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर इसने 216 करोड़ कमाए। साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रंगस्थलम नामक फिल्म का एक कन्नड़ डब संस्करण 12 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इस फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहेंगे तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख पाएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा। कहानी की बात करें कुछ इस प्रकार है। कहानी रंगस्थलम नाम के एक गाँव के रहने वाले चिट्टी बाबू आंशिक रूप से बहरे गुस्सैल खुश मिजाज हैं। वह अपने दोस्त कोली रंगम्मा के स्वामित्व वाली मोटर का उपयोग करके सिंचाई के खेतों में पानी भरकर जीविकोपार्जन करते हैं, जिसे वह आटा चके रूप में संदर्भित करता है। और एक अन्य ग्रामीण महेश द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चिट्टी बाबू अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं और राम लक्ष्मी से प्यार करते हैं, एक किसान जो शुरू में अपनी श्रवण हानि के अनजान। रंगस्थलम की स्थानीय सरकार का नेतृत्व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं फणीन्द्र भूपति, एक प्रभावशाली क्रूर जमींदार जो सहकारी समिति का दुरुपयोग करता है, उच्च ब्याज दर वसूलता है और अवैतनिक ऋण के बहाने किसानों की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है। कुमार बाबू चिट्टी बाबू का भाई जो रोजगार के लिए गांव छोड़ गया था, रंगस्थलम लौटता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि राम लक्ष्मी की भूमि को उनके ऋण का भुगतान करने न करने के कारण समाज द्वारा जब्त कर लिया गया है। वह और कुमार बाबू इस पर समाज का सामना करते हैं, यह दावा करते हुए कि उसकी माँ ने मरने से पहले इसका भुगतान किया था और खातों को फुलाया गया था। चिट्टी बाबू महेश से सीखते हैं कि भूपति के गुर्गे सेनू डूके ने कुमार बाबू के कृत्यों के लिए गांव के सामने उनके पिता का अपमान किया था। चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी से नाराज हैं और सेसू नायडू से लड़ते हैं। अगले दिन भूपति ने मदद करने से इनकार कर दिया और कुमार बाबू ने स्थानीय विधायक से संपर्क किया। दक्षिण मूर्ति को चिट्टी बाबू की जमानत की व्यवस्था की। मूर्ति के समर्थन से कुमार बाबू ने रंगस्थलम के अध्यक्ष पद के लिए खुद को नामांकित किया। वे समय के साथ ग्रामीणों से समर्थन प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ वार्ड सदस्य के पद के लिए नामांकित दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रंगम्मा हालांकि चिट्टी बाबू को चेतावनी देती है कि कई लोग जिन्होंने भूपति के खिलाफ चलना चुना, उनके पति भी शामिल थे, बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। चिट्टी बाबू को पता चलता है कि भूपति ने उन सभी की हत्या कर दी और होश आता है कि कुमार बाबू खतरे में पड़ सकते हैं। वह भूपति से रिश्वत लेता है और ग्रामीणों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद कुमार बाबू ने नेतृत्व के लिए अपनी होड़ जारी रखी, जिसके कारण चिट्टी बाबू ने अपना विचार बदल दिया और भूपति को पैसे वापस कर दिए। राजमंदिरी में अपनी प्रेमिका पद्मा से मिलने गए कुमार बाबू पर गांव के बाहरी इलाके में भूपति के समूह ने हमला कर दिया। सबसे पहले चिट्टी बाबू उसे मौत से बचाने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक नकाबपोश आदमी ने अपने पहले से ही घायल भाई का गला काट दिया। भूपति अपनी जान के डर से रंगस्थलम से भाग जाता है और चिट्टी बाबू उसे आसपास के गांव में खोजता रहता है। इस बीच रंगम्मा को सर्वसम्मति से गांव का अध्यक्ष चुना जाता है। बाद के दिनों में एक बिंदु पर चिट्टी बाबू
नर्तकियों के एक समूह को उसी नाम के देवता को समर्पित भक्ति भजन में श्री मन्नारायण का पाठ करते हुए देखते हैं। वह याद करते हैं कि कुमार बाबू ने अपनी मृत्यु की रात कुछ कहने का प्रयास किया और महसूस किया कि वह श्री मन्नारायण दोहरा रहे थे। चिट्टी बाबू मदद के लिए दक्षिण मूर्ति से मिलने जाते हैं, हालांकि उसे बहुत देर हो जा चुकी है क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चिट्टी बाबू अपने गांव लौटे बिना बेहोशी की हालत में दक्षिण मूर्ति के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि मूर्ति ठीक नहीं हो सकते हैं और इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं। चिट्टी बाबू विरोध करते हैं और 2 साल तक दक्षिणा मूर्ति की देखभाल करते हैं। एक दिन वह होश में आता है और चिट्टी बाबू उसे अपने घर वापस लाते हैं। इस जोड़ी के साथ राम लक्ष्मी भी है जो अब चिट्टी बाबू की पत्नी है। जैसा कि वे निजी तौर पर बात करते हैं, मूर्ति भूपति के बारे में पूछती है। चिट्टी बाबू जवाब देते हैं कि उन्होंने रंगस्थलम के बाहरी इलाके में उन्हें पीट पीट कर मार डाला। बाद में चिट्टी बाबू ने खुलासा किया कि कुमार बाबू की श्रीमन्नारायण के मरने वाले मंत्र के बाद मूर्ति ने अपने भाई की मौत के आयोजन के बारे में सीखा। निचली जाति से होने के बावजूद कुमार बाबू मूर्ति की बेटी पद्मा के साथ रिश्ते में थे। दक्षिणा ने इसका विरोध करते हुए उसे बाबू को मरवा डालने के लिए प्रेरित किया। चिट्टी बाबू ने 2 साल तक मूर्ति के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया ताकि वह मौत की पूरी पीड़ा का अनुभव कर सके। चिट्टी बाबू तब मूर्ति की हत्या कर देता है और राम लक्ष्मी के साथ इमारत छोड़ देता है क्योंकि पद्मा अपने पति के साथ आती है। तो कहानी काफी अच्छी, आप लोग देखिएगा मूवी को। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम बात करेंगे मूवी रंगस्थलम, आप लोग कैसे और कहां से देख पाएंगे वो भी फ्री में। साथ ही इस फिल्म के रिव्यू, फैक्ट, स्टोरी बताएंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। रंगस्थलम एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की अवधि की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। महात्री मूवी मेकर्स कंपनी के लिए वाई नवीन, वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित फिल्म में रामचरण और सामंथा अक्किनेनी के साथ आदि पिनिसेट्टी, जगतपति बाबू, प्रकाश राज, नरेश और अनुसुईया भारद्वाज प्रमुख भूमिका में है। रंगस्थलम 1980 के दशक में नामांकित काल्पनिक गाँव में स्थापित है। यह 2 भाइयों चिट्टी बाबू और कुमार बाबू की कहानी बताती है जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणीन्द्र भूपति ने नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई। कार्यकारी समय 178 मिनट का। भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई। बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर इसने 216 करोड़ कमाए। साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रंगस्थलम नामक फिल्म का एक कन्नड़ डब संस्करण 12 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इस फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्म में से एक माना जाता है। फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहेंगे तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख पाएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा। कहानी की बात करें कुछ इस प्रकार है। कहानी रंगस्थलम नाम के एक गाँव के रहने वाले चिट्टी बाबू आंशिक रूप से बहरे गुस्सैल खुश मिजाज हैं। वह अपने दोस्त कोली रंगम्मा के स्वामित्व वाली मोटर का उपयोग करके सिंचाई के खेतों में पानी भरकर जीविकोपार्जन करते हैं, जिसे वह आटा चके रूप में संदर्भित करता है। और एक अन्य ग्रामीण महेश द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चिट्टी बाबू अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं और राम लक्ष्मी से प्यार करते हैं, एक किसान जो शुरू में अपनी श्रवण हानि के अनजान। रंगस्थलम की स्थानीय सरकार का नेतृत्व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं। फरीन भूपति एक प्रभावशाली क्रूर जमींदार जो सहकारी समिति का दुरुपयोग करता है, उच्च ब्याज दर वसूलता है और अवैतनिक ऋण के बहाने किसानों की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है। कुमार बाबू चिट्टी बाबू का भाई जो रोजगार के लिए गांव छोड़ गया था, रंगस्थलम लौटता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि राम लक्ष्मी की भूमि को उनके ऋण का भुगतान करने न करने के कारण समाज द्वारा जब्त कर लिया गया है। वह और कुमार बाबू इस पर समाज का सामना करते हैं, यह दावा करते हुए कि उसकी माँ ने मरने से पहले इसका भुगतान किया था और खातों को फुलाया गया था। चिट्टी बाबू महेश से सीखते हैं कि भूपति के गुर्गे सेनू नाइट
नायडू के ने कुमार बाबू के कृत्यों के लिए गांव के सामने उनके पिता का अपमान किया था। चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी से नाराज हैं और सेसु नायडू से लड़ते हैं। अगले दिन भूपति ने मदद करने से इनकार कर दिया और कुमार बाबू ने स्थानीय विधायक से संपर्क किया। दक्षिण मूर्ति को चिट्टी बाबू की जमानत की व्यवस्था की। मूर्ति के समर्थन से कुमार बाबू ने रंगस्थलम के अध्यक्ष पद के लिए खुद को नामांकित किया। वे समय के साथ ग्रामीणों से समर्थन प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ वार्ड सदस्य के पद के लिए नामांकित दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रंगम्मा हालांकि चिट्टी बाबू को चेतावनी देती है कि कई लोग जिन्होंने भूपति के खिलाफ चलना चुना उनके पति भी शामिल थे। बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। चिट्टी बाबू को पता चलता है कि भूपति ने उन सभी की हत्या कर दी और होश आता है कि कुमार बाबू खतरे में पड़ सकते हैं। वह भूपति से रिश्वत लेता है और ग्रामीणों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद कुमार बाबू ने नेतृत्व के लिए अपनी होड़ जारी रखी, जिसके कारण चिट्टी बाबू ने अपना विचार बदल दिया और भूपति को पैसे वापस कर दिए। राजमंदिरी में अपनी प्रेमिका पद्मा से मिलने गए कुमार बाबू पर गाँव के बाहरी इलाके में भूपति के समूह ने हमला कर दिया। सबसे पहले चिट्टी बाबू उसे मौत से बचाने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक नकाबपोश आदमी ने अपने पहले से ही घायल भाई का गला काट दिया। भूपति अपनी जान के डर से रंगस्थलम से भाग जाता है और चिट्टी बाबू उसे आसपास के गांव में खोजता रहता है। इस बीच रंगम्मा को सर्वसम्मति से गांव का अध्यक्ष चुना जाता है। बाद के दिनों में एक बिंदु पर चिट्टी बाबू नर्तकियों के एक समूह को उसी नाम के देवता को समर्पित भक्ति भजन में श्री मन्नारायण का पाठ करते हुए देखते हैं। वह याद करते हैं कि कुमार बाबू ने अपनी मृत्यु की रात कुछ कहने का प्रयास किया और महसूस किया कि वह श्री मन्नारायण दोहरा रहे थे। चिट्टी बाबू मदद के लिए दक्षिण मूर्ति से मिलने जाते हैं। हालांकि उसे बहुत देर हो जा चुकी है, क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चिट्टी बाबू अपने गांव लौटे बिना बेहोशी की हालत में दक्षिण मूर्ति के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि मूर्ति ठीक नहीं हो सकते हैं और इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं। चिट्टी बाबू विरोध करते हैं और 2 साल तक दक्षिणा मूर्ति की देखभाल करते हैं। एक दिन वह होश में आता है और चिट्टी बाबू उसे अपने घर वापस लाते हैं। इस जोड़ी के साथ राम लक्ष्मी भी है, जो अब चिट्टी बाबू की पत्नी है। जैसा कि वे निजी तौर पर बात करते हैं, मूर्ति भूपति के बारे में पूछती है। चिट्टी बाबू जवाब देते हैं कि उन्होंने रंगस्थलम के बाहरी इलाके में उन्हें पीट पीट कर मार डाला। बाद में चिट्टी बाबू ने खुलासा किया कि कुमार बाबू की श्रीमन्नारायण के मरने वाले मंत्र के बाद मूर्ति ने अपने भाई की मौत के आयोजन के बारे में सीखा। निचली जाति से होने के बावजूद कुमार बाबू मूर्ति की बेटी पद्मा के साथ रिश्ते में थे। दक्षिणा ने इसका विरोध करते हुए उसे बाबू को मरवा डालने के लिए प्रेरित किया। चिट्टी बाबू ने 2 साल तक मूर्ति के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया, ताकि वह मौत की पूरी पीड़ा का अनुभव कर सके। चिट्टी बाबू तब मूर्ति की हत्या कर देता है और राम लक्ष्मी के साथ इमारत छोड़ देता है, क्योंकि पद्मा अपने पति के साथ आती है। तो कहानी काफी अच्छी, आप लोग देखिएगा मूवी को। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम बात करेंगे मूवी रंगस्थलम, आप लोग कैसे और कहाँ से देख पाएंगे, वो भी फ्री में। साथ ही इस फिल्म के रिव्यू, फैक्ट, स्टोरी बताएंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। रंगस्थलम एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की अवधि की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। महात्री मूवी मेकर्स कंपनी के लिए वाई नवीन वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित फिल्म में रामचरण और सामंथा अक्किनेनी के साथ आदि पिनिसेट्टी, जगतपति बाबू, प्रकाश राज नरेश और अनुसुईया भारद्वाज प्रमुख भूमिका में है। रंगस्थलम 1980 के दशक में नामांकित काल्पनिक गाँव में स्थापित है। यह 2 भाइयों चिट्टी बाबू और कुमार बाबू की कहानी बताती है, जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणीन्द्र भूपति ने नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई। कार्यकारी समय 178 मिनट का। भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई। बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर इसने 216 करोड़ कमाए। साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रंगस्थलम नामक फिल्म
का एक कन्नड़ डब संस्करण 12 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इस फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहेंगे तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप लोग डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देख पाएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा। कहानी की बात करें कुछ इस प्रकार है। कहानी रंगस्थलम नाम के एक गांव के रहने वाले चिट्टी बाबू आंशिक रूप से बहरे गुस्सैल खुशमिजाज हैं। वह अपने दोस्त कोली रंगम्मा के स्वामित्व वाली मोटर का उपयोग करके सिंचाई के खेतों में पानी भरकर जीविकोपार्जन करते हैं, जिसे वह आटा चक्के रूप में संदर्भित करता है। और एक अन्य ग्रामीण महेश द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चिट्टी बाबू अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं और राम लक्ष्मी से प्यार करते हैं, एक किसान जो शुरू में अपनी श्रवण हानि के अनजान थी। रंगस्थलम की स्थानीय सरकार का नेतृत्व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं। परिन भूपति एक प्रभावशाली क्रूर जमींदार जो सहकारी समिति का दुरुपयोग करता है, उच्च ब्याज दर वसूलता है और अवैतनिक ऋण के बहाने किसानों की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है। कुमार बाबू चिट्टी बाबू का भाई जो रोजगार के लिए गांव छोड़ गया था, रंगस्थलम लौटता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि राम लक्ष्मी की भूमि को उनके ऋण का भुगतान करने न करने के कारण समाज द्वारा जब्त कर लिया गया है। वह और कुमार बाबू इस पर समाज का सामना करते हैं, यह दावा करते हुए कि उसकी माँ ने मरने से पहले इसका भुगतान किया था और खातों को खुलाया गया था। चिट्टी बाबू महेश से सीखते हैं कि भूपति के गुर्गे सेनू नायडू के ने कुमार बाबू के कृत्यों के लिए गांव के सामने उनके पिता का अपमान किया था। चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी से नाराज हैं और सेसु नायडू से लड़ते हैं। अगले दिन भूपति ने मदद करने से इनकार कर दिया और कुमार बाबू ने स्थानीय विधायक से संपर्क किया। दक्षिण मूर्ति को चिट्टी बाबू की जमानत की व्यवस्था की। मूर्ति के समर्थन से कुमार बाबू ने रंगस्थलम के अध्यक्ष पद के लिए खुद को नामांकित किया। वे समय के साथ ग्रामीणों से समर्थन प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ वार्ड सदस्य के पद के लिए नामांकित दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रंगम्मा हालांकि चिट्टी बाबू को चेतावनी देती है कि कई लोग जिन्होंने भूपति के खिलाफ चलना चुना उनके पति भी शामिल थे, बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। चिट्टी बाबू को पता चलता है कि भूपति ने उन सभी की हत्या कर दी और होश आता है कि कुमार बाबू खतरे में पड़ सकते हैं। वह भूपति से रिश्वत लेता है और ग्रामीणों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद कुमार बाबू ने नेतृत्व के लिए अपनी होड़ जारी रखी, जिसके कारण चिट्टी बाबू ने अपना विचार बदल दिया और भूपति को पैसे वापस कर दिए। राजमंदिरी में अपनी प्रेमिका पद्मा से मिलने गए कुमार बाबू पर गाँव के बाहरी इलाके में भूपति के समूह ने हमला कर दिया। सबसे पहले चिट्टी बाबू उसे मौत से बचाने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक नकाबपोश आदमी ने अपने पहले से ही घायल भाई का गला काट दिया। भूपति अपनी जान के डर से रंगस्थलम से भाग जाता है और चिट्टी बाबू उसे आसपास के गांव में खोजता रहता है। इस बीच रंगम्मा को सर्वसम्मति से गांव का अध्यक्ष चुना जाता है। बाद के दिनों में एक बिंदु पर चिट्टी बाबू नर्तकियों के एक समूह को उसी नाम के देवता को समर्पित भक्ति भजन में श्री मन्नारायण का पाठ करते हुए देखते हैं। वह याद करते हैं कि कुमार बाबू ने अपनी मृत्यु की रात कुछ कहने का प्रयास किया और महसूस किया कि वह श्री मन्नारायण दोहरा रहे थे। चिट्टी बाबू मदद के लिए दक्षिण मूर्ति से मिलने जाते हैं, हालांकि उसे बहुत देर हो जा चुकी है क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चिट्टी बाबू अपने गांव लौटे बिना बेहोशी की हालत में दक्षिण मूर्ति के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि मूर्ति ठीक नहीं हो सकते हैं और इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं। चिट्टी बाबू विरोध करते हैं और 2 साल तक दक्षिण मूर्ति की देखभाल करते हैं। एक दिन वह होश में आता है और चिट्टी बाबू उसे अपने घर वापस लाते हैं। इस जोड़ी के साथ राम लक्ष्मी भी है, जो अब चिट्टी बाबू की पत्नी है। जैसा कि वे निजी तौर पर बात करते हैं, मूर्ति भूपति के बारे में पूछती है। चिट्टी बाबू जवाब देते हैं कि उन्होंने रंगस्थलम के बाहरी इलाके में उन्हें पीट पीट कर मार डाला। बाद में चिट्टी बाबू ने खुलासा किया कि कुमार बाबू की श्रीमन्नारायण के मरने वाले मंत्र के बाद मूर्ति ने अपने भाई की मौत के आयोजन के बारे में सीखा। निचली जाति से होने के बावजूद कुमार बाबू मूर्ति की बेटी पद्मा के साथ रिश्ते में थे। दक्षिणा ने इसका विरोध करते हुए उसे बाबू को मरवा डालने के लिए प्रेरित किया। चिट्टी बाबू ने 2 साल तक मूर्ति के पूरी
तरह से ठीक होने का इंतजार किया ताकि वह मौत की पूरी पीड़ा का अनुभव कर सके। चित्ती बाबू तब मूर्ति की हत्या कर देता है और राम लक्ष्मी के साथ इमारत छोड़ देता है क्योंकि पद्मा अपने पति के साथ आती है। तो कहानी काफी अच्छी, आप लोग देखिएगा मूवी को। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे मूवी रंगस्थलम, आप लोग कैसे और कहां से देख पाएंगे वो भी फ्री में। साथ ही इस फिल्म के रिव्यू, फैक्ट, स्टोरी बताएंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। रंगस्थलम एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की अवधि की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। महात्री मूवी मेकर्स कंपनी के लिए वाई नवीन वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित फिल्म में रामचरण और सामंथा अक्किनेनी के साथ आदि पिनिसेट्टी, जगतपति बाबू, प्रकाश राज नरेश और अनुसुईया भारद्वाज प्रमुख भूमिका में है। रंगस्थलम 1980 के दशक में नामांकित काल्पनिक गाँव में स्थापित है। यह दो भाइयों चिट्टी बाबू और कुमार बाबू की कहानी बताती है जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणीन्द्र भूपति ने नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई। कार्यकारी समय 178 मिनट का। भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई। बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर इसने 216 करोड़ कमाए। साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रंगस्थलम नामक फिल्म का एक कन्नड़ डब संस्करण 12 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इस फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म को आईएमडीबी द्वारा 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहेंगे तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख पाएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा। कहानी की बात करें कुछ इस प्रकार है। कहानी रंगस्थलम नाम के एक गाँव के रहने वाले चिट्टी बाबू आंशिक रूप से बहरे गुस्सेल खुश मिजाज हैं। वह अपने दोस्त कोली रंगम्मा के स्वामित्व वाली मोटर का उपयोग करके सिंचाई के खेतों में पानी भरकर जीविकोपार्जन करते हैं, जिसे वह आटा चके रूप में संदर्भित करता है। और एक अन्य ग्रामीण महेश द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चिट्टी बाबू अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं और राम लक्ष्मी से प्यार करते हैं, एक किसान जो शुरू में अपनी श्रवण हानि के अनजान। रंगस्थलम की स्थानीय सरकार का नेतृत्व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं फणीन्द्र भूपति, एक प्रभावशाली क्रूर जमींदार जो सहकारी समिति का दुरुपयोग करता है, उच्च ब्याज दर वसूलता है और अवैतनिक ऋण के बहाने किसानों की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है। कुमार बाबू चिट्टी बाबू का भाई जो रोजगार के लिए गांव छोड़ गया था, रंगस्थलम लौटता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि राम लक्ष्मी की भूमि को उनके ऋण का भुगतान करने न करने के कारण समाज द्वारा जब्त कर लिया गया है। वह और कुमार बाबू इस पर समाज का सामना करते हैं, यह दावा करते हुए कि उसकी माँ ने मरने से पहले इसका भुगतान किया था और खातों को फुलाया गया था। चिट्टी बाबू महेश से सीखते हैं कि भूपति के गुर्गे सेनू डूके ने कुमार बाबू के कृत्यों के लिए गांव के सामने उनके पिता का अपमान किया था। चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी से नाराज हैं और सेसू नायडू से लड़ते हैं। अगले दिन भूपति ने मदद करने से इनकार कर दिया और कुमार बाबू ने स्थानीय विधायक से संपर्क किया। दक्षिण मूर्ति को चिट्टी बाबू की जमानत की व्यवस्था की। मूर्ति के समर्थन से कुमार बाबू ने रंगस्थलम के अध्यक्ष पद के लिए खुद को नामांकित किया। वे समय के साथ ग्रामीणों से समर्थन प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ वार्ड सदस्य के पद के लिए नामांकित दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रंगम्मा हालांकि चिट्टी बाबू को चेतावनी देती है कि कई लोग जिन्होंने भूपति के खिलाफ चलना चुना उनके पति भी शामिल थे, बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। चिट्टी बाबू को पता चलता है कि भूपति ने उन सभी की हत्या कर दी और होश आता है कि कुमार बाबू खतरे में पड़ सकते हैं। वह भूपति से रिश्वत लेता है और ग्रामीणों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद कुमार बाबू ने नेतृत्व के लिए अपनी होड़ जारी रखी, जिसके कारण चिट्टी बाबू ने अपना विचार बदल दिया और भूपति को पैसे वापस कर दिए। राजमंदिरी में अपनी प्रेमिका पद्मा से मिलने गए कुमार बाबू पर गांव के बाहरी इलाके में भूपति के समूह ने हमला कर दिया। सबसे पहले चिट्टी बाबू उसे मौत से बचाने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक नकाबपोश आदमी ने अपने पहले से ही घायल भाई का गला काट दिया। भूपति अपनी जान
जान के डर से रंगस्थलम से भाग जाता है और चिट्टी बाबू उसे आसपास के गांव में खोजता रहता है। इस बीच रंगम्मा को सर्वसम्मति से गांव का अध्यक्ष चुना जाता है। बाद के दिनों में एक बिंदु पर चिट्टी बाबू नर्तकियों के एक समूह को उसी नाम के देवता को समर्पित भक्ति भजन में श्री मन्नारायण का पाठ करते हुए देखते हैं। वह याद करते हैं कि कुमार बाबू ने अपनी मृत्यु की रात कुछ कहने का प्रयास किया और महसूस किया कि वह श्री मन्नारायण दोहरा रहे थे। चिट्टी बाबू मदद के लिए दक्षिण मूर्ति से मिलने जाते हैं। हालांकि उसे बहुत देर हो जा चुकी है क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चिट्टी बाबू अपने गांव लौटे बिना बेहोशी की हालत में दक्षिण मूर्ति के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि मूर्ति ठीक नहीं हो सकते हैं और इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं। चिट्टी बाबू विरोध करते हैं और 2 साल तक दक्षिणा मूर्ति की देखभाल करते हैं। एक दिन वह होश में आता है और चिट्टी बाबू उसे अपने घर वापस लाते हैं। इस जोड़ी के साथ राम लक्ष्मी भी हैं जो अब चिट्टी बाबू की पत्नी है। जैसा कि वे निजी तौर पर बात करते हैं, मूर्ति भूपति के बारे में पूछती है। चिट्टी बाबू जवाब देते हैं कि उन्होंने रंगस्थलम के बाहरी इलाके में उन्हें पीट पीट कर मार डाला। बाद में चिट्टी बाबू ने खुलासा किया कि कुमार बाबू की श्रीमन्नारायण के मरने वाले मंत्र के बाद मूर्ति ने अपने भाई की मौत के आयोजन के बारे में सीखा। निचली जाति से होने के बावजूद कुमार बाबू मूर्ति की बेटी पद्मा के साथ रिश्ते में थे। दक्षिणा ने इसका विरोध करते हुए उसे बाबू को मरवा डालने के लिए प्रेरित किया। चिट्टी बाबू ने 2 साल तक मूर्ति के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया ताकि वह मौत की पूरी पीड़ा का अनुभव कर सके। चिट्टी बाबू तब मूर्ति की हत्या कर देता है और राम लक्ष्मी के साथ इमारत छोड़ देता है क्योंकि पद्मा अपने पति के साथ आती है। तो कहानी काफी अच्छी, आप लोग देखिएगा मूवी को। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम बात करेंगे मूवी रंगस्थलम, आप लोग कैसे और कहां से देख पाएंगे वो भी फ्री में। साथ ही इस फिल्म के रिव्यू, फैक्ट, स्टोरी बताएंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। रंगस्थलम एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की अवधि की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। महात्री मूवी मेकर्स कंपनी के लिए वाई नवीन, वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित फिल्म में रामचरण और सामंथा अक्किनेनी के साथ आदि पिनिसेट्टी, जगतपति बाबू, प्रकाश राज, नरेश और अनुसुईया भारद्वाज प्रमुख भूमिका में है। रंगस्थलम 1980 के दशक में नामांकित काल्पनिक गाँव में स्थापित है। यह 2 भाइयों चिट्टी बाबू और कुमार बाबू की कहानी बताती है जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणीन्द्र भूपति ने नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई। कार्यकारी समय 178 मिनट का। भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई। बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर इसने 216 करोड़ कमाए। साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रंगस्थलम नामक फिल्म का एक कन्नड़ डब संस्करण 12 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इस फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्म में से एक माना जाता है। फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहेंगे तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख पाएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा। कहानी की बात करें कुछ इस प्रकार है। कहानी रंगस्थलम नाम के एक गाँव के रहने वाले चिट्टी बाबू आंशिक रूप से बहरे गुस्सेल खुश मिजाज हैं। वह अपने दोस्त कोली रंगम्मा के स्वामित्व वाली मोटर का उपयोग करके सिंचाई के खेतों में पानी भरकर जीविकोपार्जन करते हैं, जिसे वह आटा चके रूप में संदर्भित करता है। और एक अन्य ग्रामीण महेश द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चिट्टी बाबू अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं और राम लक्ष्मी से प्यार करते हैं, एक किसान जो शुरू में अपनी श्रवण हानि के अनजान। रंगस्थलम की स्थानीय सरकार का नेतृत्व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं। परिन भूपति एक प्रभावशाली क्रूर जमींदार जो सहकारी समिति का दुरुपयोग करता है, उच्च ब्याज दर वसूलता है और अवैतनिक ऋण के बहाने किसानों की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है।
कुमार बाबू चिट्टी बाबू का भाई जो रोजगार के लिए गांव छोड़ गया था रंगस्थलम लौटता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि राम लक्ष्मी की भूमि को उनके ऋण का भुगतान करने न करने के कारण समाज द्वारा जब्त कर लिया गया है। वह और कुमार बाबू इस पर समाज का सामना करते हैं, यह दावा करते हुए कि उसकी माँ ने मरने से पहले इसका भुगतान किया था और खातों को फुलाया गया था। चिट्टी बाबू महेश से सीखते हैं कि भूपति के गुर्गे सेनू नायडू के ने कुमार बाबू के कृत्यों के लिए गांव के सामने उनके पिता का अपमान किया था। चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी से नाराज हैं और सेसु नायडू से लड़ते हैं। अगले दिन भूपति ने मदद करने से इनकार कर दिया और कुमार बाबू ने स्थानीय विधायक से संपर्क किया। दक्षिण मूर्ति को चिट्टी बाबू की जमानत की व्यवस्था की। मूर्ति के समर्थन से कुमार बाबू ने रंगस्थलम के अध्यक्ष पद के लिए खुद को नामांकित किया। वे समय के साथ ग्रामीणों से समर्थन प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ वार्ड सदस्य के पद के लिए नामांकित दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रंगम्मा हालांकि चिट्टी बाबू को चेतावनी देती है कि कई लोग जिन्होंने भूपति के खिलाफ चलना चुना उनके पति भी शामिल थे, बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। चिट्टी बाबू को पता चलता है कि भूपति ने उन सभी की हत्या कर दी और होश आता है कि कुमार बाबू खतरे में पड़ सकते हैं। वह भूपति से रिश्वत लेता है और ग्रामीणों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद कुमार बाबू ने नेतृत्व के लिए अपनी होड़ जारी रखी, जिसके कारण चिट्टी बाबू ने अपना विचार बदल दिया और भूपति को पैसे वापस कर दिए। राजमंदिरी में अपनी प्रेमिका पद्मा से मिलने गए कुमार बाबू पर गाँव के बाहरी इलाके में भूपति के समूह ने हमला कर दिया। सबसे पहले चिट्टी बाबू उसे मौत से बचाने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक नकाबपोश आदमी ने अपने पहले से ही घायल भाई का गला काट दिया। भूपति अपनी जान के डर से रंगस्थलम से भाग जाता है और चिट्टी बाबू उसे आसपास के गांव में खोजता रहता है। इस बीच रंगम्मा को सर्वसम्मति से गांव का अध्यक्ष चुना जाता है। बाद के दिनों में एक बिंदु पर चिट्टी बाबू नर्तकियों के एक समूह को उसी नाम के देवता को समर्पित भक्ति भजन में श्री मन्नारायण का पाठ करते हुए देखते हैं। वह याद करते हैं कि कुमार बाबू ने अपनी मृत्यु की रात कुछ कहने का प्रयास किया और महसूस किया कि वह श्री मन्नारायण दोहरा रहे थे। चिट्टी बाबू मदद के लिए दक्षिण मूर्ति से मिलने जाते हैं, हालांकि उसे बहुत देर हो जा चुकी है क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चिट्टी बाबू अपने गांव लौटे बिना बेहोशी की हालत में दक्षिण मूर्ति के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि मूर्ति ठीक नहीं हो सकते हैं और इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं। चिट्टी बाबू विरोध करते हैं और 2 साल तक दक्षिणा मूर्ति की देखभाल करते हैं। एक दिन वह होश में आता है और चिट्टी बाबू उसे अपने घर वापस लाते हैं। इस जोड़ी के साथ राम लक्ष्मी भी है जो अब चिट्टी बाबू की पत्नी है। जैसा कि वे निजी तौर पर बात करते हैं, मूर्ति भूपति के बारे में पूछती है। चिट्टी बाबू जवाब देते हैं कि उन्होंने रंगस्थलम के बाहरी इलाके में उन्हें पीट पीट कर मार डाला। बाद में चिट्टी बाबू ने खुलासा किया कि कुमार बाबू की श्रीमन्नारायण के मरने वाले मंत्र के बाद मूर्ति ने अपने भाई की मौत के आयोजन के बारे में सीखा। निचली जाति से होने के बावजूद कुमार बाबू मूर्ति की बेटी पद्मा के साथ रिश्ते में थे। दक्षिणा ने इसका विरोध करते हुए उसे बाबू को मरवा डालने के लिए प्रेरित किया। चिट्टी बाबू ने 2 साल तक मूर्ति के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया ताकि वह मौत की पूरी पीड़ा का अनुभव कर सके। चिट्टी बाबू तब मूर्ति की हत्या कर देता है और राम लक्ष्मी के साथ इमारत छोड़ देता है क्योंकि पद्मा अपने पति के साथ आती है। तो कहानी काफी अच्छी, आप लोग देखिएगा मूवी को। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम बात करेंगे मूवी रंगस्थलम, आप लोग कैसे और कहाँ से देख पाएंगे वो भी फ्री में। साथ ही इस फिल्म के रिव्यू फैक्ट स्टोरी बताएंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। रंगस्थलम एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की अवधि की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। महात्री मूवी मेकर्स कंपनी के लिए वाई नवीन वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित फिल्म में रामचरण और सामंथा अक्किनेनी के साथ आदि पिनिसेट्टी, जगतपति बाबू, प्रकाश राज नरेश और अनुसुईया भारद्वाज प्रमुख भूमिका में है। रंगस्थलम 1980 के दशक में नामांकित काल्पनिक गाँव में स्थापित है। यह दो भाइयों चिट्टी बाबू
और कुमार बाबू की कहानी बताती है, जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणीन्द्र भूपति ने नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई। कार्यकारी समय 178 मिनट का। भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई। बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर इसने 216 करोड़ कमाए। साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रंगस्थलम नामक फिल्म का एक कन्नड़ डब संस्करण 12 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इस फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहेंगे तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप लोग डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देख पाएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा। कहानी की बात करें कुछ इस प्रकार है। कहानी रंगस्थलम नाम के एक गाँव के रहने वाले चिट्टी बाबू आंशिक रूप से बहरे गुस्सेल खुश मिजाज है। वह अपने दोस्त कोली रंगम्मा के स्वामित्व वाली मोटर का उपयोग करके सिंचाई के खेतों में पानी भरकर जीविकोपार्जन करते हैं, जिसे वह आटा चक्के रूप में संदर्भित करता है। और एक अन्य ग्रामीण महेश द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चिट्टी बाबू अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं और राम लक्ष्मी से प्यार करते हैं, एक किसान जो शुरू में अपनी श्रवण हानि के अनजान। रंगस्थलम की स्थानीय सरकार का नेतृत्व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं। फणीन्द्र भूपति एक प्रभावशाली क्रूर जमींदार जो सहकारी समिति का दुरुपयोग करता है, उच्च ब्याज दर वसूलता है और अवैतनिक ऋण के बहाने किसानों की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है। कुमार बाबू चिट्टी बाबू का भाई जो रोजगार के लिए गांव छोड़ गया था, रंगस्थलम लौटता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि राम लक्ष्मी की भूमि को उनके ऋण का भुगतान करने न करने के कारण समाज द्वारा जब्त कर लिया गया है। वह और कुमार बाबू इस पर समाज का सामना करते हैं, यह दावा करते हुए कि उसकी माँ ने मरने से पहले इसका भुगतान किया था और खातों को बुलाया गया था। चिट्टी बाबू महेश से सीखते हैं कि भूपति के गुर्गे सेनू नायडू के ने कुमार बाबू के कृत्यों के लिए गांव के सामने उनके पिता का अपमान किया था। चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी से नाराज हैं और सेसु नायडू से लड़ते हैं। अगले दिन भूपति ने मदद करने से इनकार कर दिया और कुमार बाबू ने स्थानीय विधायक से संपर्क किया। दक्षिण मूर्ति को चिट्टी बाबू की जमानत की व्यवस्था की। मूर्ति के समर्थन से कुमार बाबू ने रंगस्थलम के अध्यक्ष पद के लिए खुद को नामांकित किया। वे समय के साथ ग्रामीणों से समर्थन प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ वार्ड सदस्य के पद के लिए नामांकित दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रंगम्मा हालांकि चिट्टी बाबू को चेतावनी देती है कि कई लोग जिन्होंने भूपति के खिलाफ चलना चुना उनके पति भी शामिल थे। बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। चिट्टी बाबू को पता चलता है कि भूपति ने उन सभी की हत्या कर दी और होश आता है कि कुमार बाबू खतरे में पड़ सकते हैं। वह भूपति से रिश्वत लेता है और ग्रामीणों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद कुमार बाबू ने नेतृत्व के लिए अपनी होड़ जारी रखी, जिसके कारण चिट्टी बाबू ने अपना विचार बदल दिया और भूपति को पैसे वापस कर दिए। राजमंदिरी में अपनी प्रेमिका पद्मा से मिलने गए कुमार बाबू पर गाँव के बाहरी इलाके में भूपति के समूह ने हमला कर दिया। सबसे पहले चिट्टी बाबू उसे मौत से बचाने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक नकाबपोश आदमी ने अपने पहले से ही घायल भाई का गला काट दिया। भूपति अपनी जान के डर से रंगस्थलम से भाग जाता है और चिट्टी बाबू उसे आसपास के गांव में खोजता रहता है। इस बीच रंगम्मा को सर्वसम्मति से गांव का अध्यक्ष चुना जाता है। बाद के दिनों में एक बिंदु पर चिट्टी बाबू नर्तकियों के एक समूह को उसी नाम के देवता को समर्पित भक्ति भजन में श्री मन्नारायण का पाठ करते हुए देखते हैं। वह याद करते हैं कि कुमार बाबू ने अपनी मृत्यु की रात कुछ कहने का प्रयास किया और महसूस किया कि वह श्री मन्नारायण दोहरा रहे थे। चिट्टी बाबू मदद के लिए दक्षिण मूर्ति से मिलने जाते हैं। हालांकि उसे बहुत देर हो जा चुकी है, क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चिट्टी बाबू अपने गांव लौटे बिना बेहोशी की हालत में दक्षिण मूर्ति के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि मूर्ति ठीक नहीं हो सकते हैं और इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं। चिट्टी बाबू विरोध करते हैं और 2 साल तक दक्षिणा मूर्ति की देखभाल करते हैं। एक दिन वह होश में आता है और चिट्टी बाबू
बाबू उसे अपने घर वापस लाते हैं। इस जोड़ी के साथ राम लक्ष्मी भी हैं, जो अब चिट्टी बाबू की पत्नी है। जैसा कि वे निजी तौर पर बात करते हैं, मूर्ति भूपति के बारे में पूछती है। चिट्टी बाबू जवाब देते हैं कि उन्होंने रंगस्थलम के बाहरी इलाके में उन्हें पीट पीट कर मार डाला। बाद में चिट्टी बाबू ने खुलासा किया कि कुमार बाबू की श्रीमन्नारायण के मरने वाले मंत्र के बाद मूर्ति ने अपने भाई की मौत के आयोजन के बारे में सीखा। निचली जाति से होने के बावजूद कुमार बाबू मूर्ति की बेटी पद्मा के साथ रिश्ते में थे। दक्षिणा ने इसका विरोध करते हुए उसे बाबू को मरवा डालने के लिए प्रेरित किया। चिट्टी बाबू ने 2 साल तक मूर्ति के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया, ताकि वह मौत की पूरी पीड़ा का अनुभव कर सके। चित्ती बाबू तब मूर्ति की हत्या कर देता है और राम लक्ष्मी के साथ इमारत छोड़ देता है, क्योंकि पद्मा अपने पति के साथ आती है। तो कहानी काफी अच्छी, आप लोग देखिएगा मूवी को। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम बात करेंगे मूवी रंगस्थलम, आप लोग कैसे और कहाँ से देख पाएंगे, वो भी फ्री में। साथ ही इस फिल्म के रिव्यू, फैक्ट, स्टोरी बताएंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। रंगस्थलम एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की अवधि की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। महात्री मूवी मेकर्स कंपनी के लिए वाई नवीन, वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित फिल्म में रामचरण और सामंथा अक्किनेनी के साथ आदि पिनिसेट्टी, जगतपति बाबू, प्रकाश राज नरेश और अनुसुईया भारद्वाज प्रमुख भूमिका में है। रंगस्थलम 1980 के दशक में नामांकित काल्पनिक गाँव में स्थापित है। यह दो भाइयों चिट्टी बाबू और कुमार बाबू की कहानी बताती है, जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणीन्द्र भूपति ने नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई। कार्यकारी समय 178 मिनट का। भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई। बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर इसने 216 करोड़ कमाए। साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रंगस्थलम नामक फिल्म का एक कन्नड़ डब संस्करण 12 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इस फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहेंगे तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख पाएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा। कहानी की बात करें कुछ इस प्रकार है। कहानी रंगस्थलम नाम के एक गाँव के रहने वाले चिट्टी बाबू आंशिक रूप से बहरे गुस्सेल खुश मिजाज हैं। वह अपने दोस्त कोली रंगम्मा के स्वामित्व वाली मोटर का उपयोग करके सिंचाई के खेतों में पानी भरकर जीविकोपार्जन करते हैं, जिसे वह आटा चके रूप में संदर्भित करता है। और एक अन्य ग्रामीण महेश द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चिट्टी बाबू अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं और राम लक्ष्मी से प्यार करते हैं, एक किसान जो शुरू में अपनी श्रवण हानि के अनजान थी। रंगस्थलम की स्थानीय सरकार का नेतृत्व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं। फणीन्द्र भूपति एक प्रभावशाली क्रूर जमींदार, जो सहकारी समिति का दुरुपयोग करता है, उच्च ब्याज दर वसूलता है और अवैतनिक ऋण के बहाने किसानों की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है। कुमार बाबू चिट्टी बाबू का भाई, जो रोजगार के लिए गांव छोड़ गया था, रंगस्थलम लौटता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि राम लक्ष्मी की भूमि को उनके ऋण का भुगतान करने न करने के कारण समाज द्वारा जब्त कर लिया गया है। वह और कुमार बाबू इस पर समाज का सामना करते हैं, यह दावा करते हुए कि उसकी माँ ने मरने से पहले इसका भुगतान किया था और खातों को फुलाया गया था। चिट्टी बाबू महेश से सीखते हैं कि भूपति के गुर्गे सेनू डूके ने कुमार बाबू के कृत्यों के लिए गांव के सामने उनके पिता का अपमान किया था। चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी से नाराज हैं और सेसू नायडू से लड़ते हैं। अगले दिन भूपति ने मदद करने से इनकार कर दिया और कुमार बाबू ने स्थानीय विधायक से संपर्क किया। दक्षिण मूर्ति को चिट्टी बाबू की जमानत की व्यवस्था की। मूर्ति के समर्थन से कुमार बाबू ने रंगस्थलम के अध्यक्ष पद के लिए खुद को नामांकित किया। वे समय के साथ ग्रामीणों से समर्थन प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ वार्ड सदस्य के पद के लिए नामांकित दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रंगम्मा हालांकि चिट्टी बाबू को चेतावनी देती है कि कई लोग जिन्होंने भूपति के खिलाफ
चलना चुना उनके पति भी शामिल थे। बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। चिट्टी बाबू को पता चलता है कि भूपति ने उन सभी की हत्या कर दी और होश आता है कि कुमार बाबू खतरे में पड़ सकते हैं। वह भूपति से रिश्वत लेता है और ग्रामीणों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद कुमार बाबू ने नेतृत्व के लिए अपनी होड़ जारी रखी, जिसके कारण चिट्टी बाबू ने अपना विचार बदल दिया और भूपति को पैसे वापस कर दिए। राजमंदिरी में अपनी प्रेमिका पद्मा से मिलने गए कुमार बाबू पर गांव के बाहरी इलाके में भूपति के समूह ने हमला कर दिया। सबसे पहले चिट्टी बाबू उसे मौत से बचाने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक नकाबपोश आदमी ने अपने पहले से ही घायल भाई का गला काट दिया। भूपति अपनी जान के डर से रंगस्थलम से भाग जाता है और चिट्टी बाबू उसे आसपास के गांव में खोजता रहता है। इस बीच रंगम्मा को सर्वसम्मति से गांव का अध्यक्ष चुना जाता है। बाद के दिनों में एक बिंदु पर चिट्टी बाबू नर्तकियों के एक समूह को उसी नाम के देवता को समर्पित भक्ति भजन में श्री मन्नारायण का पाठ करते हुए देखते हैं। वह याद करते हैं कि कुमार बाबू ने अपनी मृत्यु की रात कुछ कहने का प्रयास किया और महसूस किया कि वह श्री मन्नारायण दोहरा रहे थे। चिट्टी बाबू मदद के लिए दक्षिण मूर्ति से मिलने जाते हैं। हालांकि उसे बहुत देर हो जा चुकी है, क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चिट्टी बाबू अपने गांव लौटे बिना बेहोशी की हालत में दक्षिण मूर्ति के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि मूर्ति ठीक नहीं हो सकते हैं और इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं। चिट्टी बाबू विरोध करते हैं और 2 साल तक दक्षिणा मूर्ति की देखभाल करते हैं। एक दिन वह होश में आता है और चिट्टी बाबू उसे अपने घर वापस लाते हैं। इस जोड़ी के साथ राम लक्ष्मी भी है, जो अब चिट्टी बाबू की पत्नी है। जैसा कि वे निजी तौर पर बात करते हैं, मूर्ति भूपति के बारे में पूछती है। चिट्टी बाबू जवाब देते हैं कि उन्होंने रंगस्थलम के बाहरी इलाके में उन्हें पीट पीट कर मार डाला। बाद में चिट्टी बाबू ने खुलासा किया कि कुमार बाबू की श्रीमन्नारायण के मरने वाले मंत्र के बाद मूर्ति ने अपने भाई की मौत के आयोजन के बारे में सीखा। निचली जाति से होने के बावजूद कुमार बाबू मूर्ति की बेटी पद्मा के साथ रिश्ते में थे। दक्षिणा ने इसका विरोध करते हुए उसे बाबू को मरवा डालने के लिए प्रेरित किया। चिट्टी बाबू ने 2 साल तक मूर्ति के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया, ताकि वह मौत की पूरी पीड़ा का अनुभव कर सके। चिट्टी बाबू तब मूर्ति की हत्या कर देता है और राम लक्ष्मी के साथ इमारत छोड़ देता है, क्योंकि पद्मा अपने पति के साथ आती है। तो कहानी काफी अच्छी, आप लोग देखिएगा मूवी को। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे मूवी रंगस्थलम, आप लोग कैसे और कहां से देख पाएंगे, वो भी फ्री में। साथ ही इस फिल्म के रिव्यू, फैक्ट, स्टोरी बताएंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। रंगस्थलम एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की अवधि की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। महात्री मूवी मेकर्स कंपनी के लिए वाई नवीन, वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित फिल्म में रामचरण और सामंथा अक्किनेनी के साथ आदि पिनिसेट्टी, जगतपति बाबू, प्रकाश राज नरेश और अनुसुईया भारद्वाज प्रमुख भूमिका में है। रंगस्थलम 1980 के दशक में नामांकित काल्पनिक गांव में स्थापित है। यह 2 भाइयों चिट्टी बाबू और कुमार बाबू की कहानी बताती है, जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणीन्द्र भूपति ने नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई। कार्यकारी समय 178 मिनट का। भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई। बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर इसने 216 करोड़ कमाए। साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रंगस्थलम नामक फिल्म का एक कन्नड़ डब संस्करण 12 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इस फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहेंगे तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप लोग डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देख पाएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा। कहानी की बात करें कुछ इस प्रकार है। कहानी रंगस्थलम नाम के एक
गांव के रहने वाले चिट्टी बाबू आंशिक रूप से बहरे गुस्सैल खुश मिजाज हैं। वह अपने दोस्त कोली रंगम्मा के स्वामित्व वाली मोटर का उपयोग करके सिंचाई के खेतों में पानी भरकर जीविकोपार्जन करते हैं, जिसे वह आटा चक्के रूप में संदर्भित करता है। और एक अन्य ग्रामीण महेश द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चिट्टी बाबू अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं और राम लक्ष्मी से प्यार करते हैं। एक किसान जो शुरू में अपनी श्रवण हानि के अनजान थी। रंगस्थलम की स्थानीय सरकार का नेतृत्व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं। परिन भूपति एक प्रभावशाली क्रूर जमींदार जो सहकारी समिति का दुरुपयोग करता है, उच्च ब्याज दर वसूलता है और अवैतनिक ऋण के बहाने किसानों की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है। कुमार बाबू चिट्टी बाबू का भाई जो रोजगार के लिए गांव छोड़ गया था, रंगस्थलम लौटता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि राम लक्ष्मी की भूमि को उनके ऋण का भुगतान करने न करने के कारण समाज द्वारा जब्त कर लिया गया है। वह और कुमार बाबू इस पर समाज का सामना करते हैं, यह दावा करते हुए कि उसकी माँ ने मरने से पहले इसका भुगतान किया था और खातों को फुलाया गया था। चिट्टी बाबू महेश से सीखते हैं कि भूपति के गुर्गे सेनू नायडू के ने कुमार बाबू के कृत्यों के लिए गांव के सामने उनके पिता का अपमान किया था। चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी से नाराज हैं और सेसु नायडू से लड़ते हैं। अगले दिन भूपति ने मदद करने से इनकार कर दिया और कुमार बाबू ने स्थानीय विधायक से संपर्क किया। दक्षिण मूर्ति को चिट्टी बाबू की जमानत की व्यवस्था की। मूर्ति के समर्थन से कुमार बाबू ने रंगस्थलम के अध्यक्ष पद के लिए खुद को नामांकित किया। वे समय के साथ ग्रामीणों से समर्थन प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ वार्ड सदस्य के पद के लिए नामांकित दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रंगम्मा हालांकि चिट्टी बाबू को चेतावनी देती है कि कई लोग जिन्होंने भूपति के खिलाफ चलना चुना उनके पति भी शामिल थे, बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। चिट्टी बाबू को पता चलता है कि भूपति ने उन सभी की हत्या कर दी और होश आता है कि कुमार बाबू खतरे में पड़ सकते हैं। वह भूपति से रिश्वत लेता है और ग्रामीणों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद कुमार बाबू ने नेतृत्व के लिए अपनी होड़ जारी रखी, जिसके कारण चिट्टी बाबू ने अपना विचार बदल दिया और भूपति को पैसे वापस कर दिए। राजमंदिरी में अपनी प्रेमिका पद्मा से मिलने गए कुमार बाबू पर गाँव के बाहरी इलाके में भूपति के समूह ने हमला कर दिया। सबसे पहले चिट्टी बाबू उसे मौत से बचाने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक नकाबपोश आदमी ने अपने पहले से ही घायल भाई का गला काट दिया। भूपति अपनी जान के डर से रंगस्थलम से भाग जाता है और चिट्टी बाबू उसे आसपास के गांव में खोजता रहता है। इस बीच रंगम्मा को सर्वसम्मति से गांव का अध्यक्ष चुना जाता है। बाद के दिनों में एक बिंदु पर चिट्टी बाबू नर्तकियों के एक समूह को उसी नाम के देवता को समर्पित भक्ति भजन में श्री मन्नारायण का पाठ करते हुए देखते हैं। वह याद करते हैं कि कुमार बाबू ने अपनी मृत्यु की रात कुछ कहने का प्रयास किया और महसूस किया कि वह श्री मन्नारायण दोहरा रहे थे। चिट्टी बाबू मदद के लिए दक्षिण मूर्ति से मिलने जाते हैं, हालांकि उसे बहुत देर हो जा चुकी है क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चिट्टी बाबू अपने गांव लौटे बिना बेहोशी की हालत में दक्षिण मूर्ति के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि मूर्ति ठीक नहीं हो सकते हैं और इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं। चिट्टी बाबू विरोध करते हैं और 2 साल तक दक्षिणा मूर्ति की देखभाल करते हैं। एक दिन वह होश में आता है और चिट्टी बाबू उसे अपने घर वापस लाते हैं। इस जोड़ी के साथ राम लक्ष्मी भी है जो अब चिट्टी बाबू की पत्नी है। जैसा कि वे निजी तौर पर बात करते हैं, मूर्ति भूपति के बारे में पूछती है। चिट्टी बाबू जवाब देते हैं कि उन्होंने रंगस्थलम के बाहरी इलाके में उन्हें पीट पीट कर मार डाला। बाद में चिट्टी बाबू ने खुलासा किया कि कुमार बाबू की श्रीमन्नारायण के मरने वाले मंत्र के बाद मूर्ति ने अपने भाई की मौत के आयोजन के बारे में सीखा। निचली जाति से होने के बावजूद कुमार बाबू मूर्ति की बेटी पद्मा के साथ रिश्ते में थे। दक्षिणा ने इसका विरोध करते हुए उसे बाबू को मरवा डालने के लिए प्रेरित किया। चिट्टी बाबू ने 2 साल तक मूर्ति के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया ताकि वह मौत की पूरी पीड़ा का अनुभव कर सके। चिट्टी बाबू तब मूर्ति की हत्या कर देता है और राम लक्ष्मी के साथ इमारत छोड़ देता है क्योंकि पद्मा अपने पति के साथ आती है। तो कहानी काफी अच्छी, आप लोग देखिएगा मूवी को। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे मूवी रंगस्थलम
आप लोग कैसे और कहां से देख पाएंगे, वो भी फ्री में। साथ ही इस फिल्म के रिव्यू, फैक्ट, स्टोरी बताएंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। रंगस्थलम एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की अवधि की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। महात्री मूवी मेकर्स कंपनी के लिए वाई नवीन वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित फिल्म में रामचरण और सामंथा अक्किनेनी के साथ आदि पिनिसेट्टी, जगतपति बाबू, प्रकाश राज नरेश और अनुसुईया भारद्वाज प्रमुख भूमिका में है। रंगस्थलम 1980 के दशक में नामांकित काल्पनिक गाँव में स्थापित है। यह दो भाइयों चिट्टी बाबू और कुमार बाबू की कहानी बताती है जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणीन्द्र भूपति ने नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई। कार्यकारी समय 178 मिनट का। भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई। बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर इसने 216 करोड़ कमाए। साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रंगस्थलम नामक फिल्म का एक कन्नड़ डब संस्करण 12 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इस फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहेंगे तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप लोग डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देख पाएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा। कहानी की बात करें कुछ इस प्रकार है। कहानी रंगस्थलम नाम के एक गाँव के रहने वाले चिट्टी बाबू आंशिक रूप से बहरे गुस्सेल खुश मिजाज है। वह अपने दोस्त कोली रंगम्मा के स्वामित्व वाली मोटर का उपयोग करके सिंचाई के खेतों में पानी भरकर जीविकोपार्जन करते हैं, जिसे वह आटा चक्के रूप में संदर्भित करता है। और एक अन्य ग्रामीण महेश द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चिट्टी बाबू अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं और राम लक्ष्मी से प्यार करते हैं, एक किसान जो शुरू में अपनी श्रवण हानि के अनजान। रंगस्थलम की स्थानीय सरकार का नेतृत्व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं। फणीन्द्र भूपति एक प्रभावशाली क्रूर जमींदार जो सहकारी समिति का दुरुपयोग करता है, उच्च ब्याज दर वसूलता है और अवैतनिक ऋण के बहाने किसानों की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है। कुमार बाबू चिट्टी बाबू का भाई जो रोजगार के लिए गांव छोड़ गया था, रंगस्थलम लौटता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि राम लक्ष्मी की भूमि को उनके ऋण का भुगतान करने न करने के कारण समाज द्वारा जब्त कर लिया गया है। वह और कुमार बाबू इस पर समाज का सामना करते हैं, यह दावा करते हुए कि उसकी माँ ने मरने से पहले इसका भुगतान किया था और खातों को बुलाया गया था। चिट्टी बाबू महेश से सीखते हैं कि भूपति के गुर्गे सेनू नायडू के ने कुमार बाबू के कृत्यों के लिए गांव के सामने उनके पिता का अपमान किया था। चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी से नाराज हैं और सेसु नायडू से लड़ते हैं। अगले दिन भूपति ने मदद करने से इनकार कर दिया और कुमार बाबू ने स्थानीय विधायक से संपर्क किया। दक्षिण मूर्ति को चिट्टी बाबू की जमानत की व्यवस्था की। मूर्ति के समर्थन से कुमार बाबू ने रंगस्थलम के अध्यक्ष पद के लिए खुद को नामांकित किया। वे समय के साथ ग्रामीणों से समर्थन प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ वार्ड सदस्य के पद के लिए नामांकित दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रंगम्मा हालांकि चिट्टी बाबू को चेतावनी देती है कि कई लोग जिन्होंने भूपति के खिलाफ चलना चुना उनके पति भी शामिल थे। बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। चिट्टी बाबू को पता चलता है कि भूपति ने उन सभी की हत्या कर दी और होश आता है कि कुमार बाबू खतरे में पड़ सकते हैं। वह भूपति से रिश्वत लेता है और ग्रामीणों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद कुमार बाबू ने नेतृत्व के लिए अपनी होड़ जारी रखी, जिसके कारण चिट्टी बाबू ने अपना विचार बदल दिया और भूपति को पैसे वापस कर दिए। राजमंदिरी में अपनी प्रेमिका पद्मा से मिलने गए कुमार बाबू पर गाँव के बाहरी इलाके में भूपति के समूह ने हमला कर दिया। सबसे पहले चिट्टी बाबू उसे मौत से बचाने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक नकाबपोश आदमी ने अपने पहले से ही घायल भाई का गला काट दिया। भूपति अपनी जान
बन के डर से रंगस्थलम से भाग जाता है और चिट्टी बाबू उसे आसपास के गांव में खोजता रहता है। इस बीच रंगम्मा को सर्वसम्मति से गांव का अध्यक्ष चुना जाता है। बाद के दिनों में एक बिंदु पर चिट्टी बाबू नर्तकियों के एक समूह को उसी नाम के देवता को समर्पित भक्ति भजन में श्री मन्नारायण का पाठ करते हुए देखते हैं। वह याद करते हैं कि कुमार बाबू ने अपनी मृत्यु की रात कुछ कहने का प्रयास किया और महसूस किया कि वह श्री मन्नारायण दोहरा रहे थे। चिट्टी बाबू मदद के लिए दक्षिण मूर्ति से मिलने जाते हैं। हालांकि उसे बहुत देर हो जा चुकी है क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चिट्टी बाबू अपने गांव लौटे बिना बेहोशी की हालत में दक्षिण मूर्ति के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि मूर्ति ठीक नहीं हो सकते हैं और इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं। चिट्टी बाबू विरोध करते हैं और 2 साल तक दक्षिणा मूर्ति की देखभाल करते हैं। एक दिन वह होश में आता है और चिट्टी बाबू उसे अपने घर वापस लाते हैं। इस जोड़ी के साथ राम लक्ष्मी भी है जो अब चिट्टी बाबू की पत्नी है। जैसा कि वे निजी तौर पर बात करते हैं, मूर्ति भूपति के बारे में पूछती है। चिट्टी बाबू जवाब देते हैं कि उन्होंने रंगस्थलम के बाहरी इलाके में उन्हें पीट पीट कर मार डाला। बाद में चिट्टी बाबू ने खुलासा किया कि कुमार बाबू की श्रीमन्नारायण के मरने वाले मंत्र के बाद मूर्ति ने अपने भाई की मौत के आयोजन के बारे में सीखा। निचली जाति से होने के बावजूद कुमार बाबू मूर्ति की बेटी पद्मा के साथ रिश्ते में थे। दक्षिणा ने इसका विरोध करते हुए उसे बाबू को मरवा डालने के लिए प्रेरित किया। चिट्टी बाबू ने 2 साल तक मूर्ति के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया ताकि वह मौत की पूरी पीड़ा का अनुभव कर सके। चिट्टी बाबू तब मूर्ति की हत्या कर देता है और राम लक्ष्मी के साथ इमारत छोड़ देता है क्योंकि पद्मा अपने पति के साथ आती है। तो कहानी काफी अच्छी, आप लोग देखिएगा मूवी को। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम बात करेंगे मूवी रंगस्थलम, आप लोग कैसे और कहाँ से देख पाएंगे वो भी फ्री में। साथ ही इस फिल्म के रिव्यू, फैक्ट, स्टोरी बताएंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। रंगस्थलम एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की अवधि की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। महात्री मूवी मेकर्स कंपनी के लिए वाई नवीन, वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित फिल्म में रामचरण और सामंथा अक्किनेनी के साथ आदि पिनिसेट्टी, जगतपति बाबू, प्रकाश राज नरेश और अनुसुईया भारद्वाज प्रमुख भूमिका में है। रंगस्थलम 1980 के दशक में नामांकित काल्पनिक गाँव में स्थापित है। यह 2 भाइयों चिट्टी बाबू और कुमार बाबू की कहानी बताती है जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणीन्द्र भूपति ने नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई। कार्यकारी समय 178 मिनट का। भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई। बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर इसने 216 करोड़ कमाए। साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रंगस्थलम नामक फिल्म का एक कन्नड़ डब संस्करण 12 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इस फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहेंगे तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख पाएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा। कहानी की बात करें कुछ इस प्रकार है। कहानी रंगस्थलम नाम के एक गाँव के रहने वाले चिट्टी बाबू आंशिक रूप से बहरे गुस्सैल खुश मिजाज हैं। वह अपने दोस्त कोली रंगम्मा के स्वामित्व वाली मोटर का उपयोग करके सिंचाई के खेतों में पानी भरकर जीविकोपार्जन करते हैं, जिसे वह आटा चके रूप में संदर्भित करता है। और एक अन्य ग्रामीण महेश द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चिट्टी बाबू अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं और राम लक्ष्मी से प्यार करते हैं, एक किसान जो शुरू में अपनी श्रवण हानि के अनजान। रंगस्थलम की स्थानीय सरकार का नेतृत्व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं। फणीन्द्र भूपति एक प्रभावशाली क्रूर जमींदार जो सहकारी समिति का दुरुपयोग करता है, उच्च ब्याज दर वसूलता है और अवैतनिक ऋण के बहाने किसानों की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है।
कुमार बाबू चिट्टी बाबू का भाई जो रोजगार के लिए गांव छोड़ गया था रंगस्थलम लौटता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि राम लक्ष्मी की भूमि को उनके ऋण का भुगतान करने न करने के कारण समाज द्वारा जब्त कर लिया गया है। वह और कुमार बाबू इस पर समाज का सामना करते हैं, यह दावा करते हुए कि उसकी माँ ने मरने से पहले इसका भुगतान किया था और खातों को फुलाया गया था। चिट्टी बाबू महेश से सीखते हैं कि भूपति के गुर्गे सेनू नायडू के ने कुमार बाबू के कृत्यों के लिए गांव के सामने उनके पिता का अपमान किया था। चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी से नाराज हैं और सेसू नायडू से लड़ते हैं। अगले दिन भूपति ने मदद करने से इनकार कर दिया और कुमार बाबू ने स्थानीय विधायक से संपर्क किया। दक्षिण मूर्ति को चिट्टी बाबू की जमानत की व्यवस्था की। मूर्ति के समर्थन से कुमार बाबू ने रंगस्थलम के अध्यक्ष पद के लिए खुद को नामांकित किया। वे समय के साथ ग्रामीणों से समर्थन प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ वार्ड सदस्य के पद के लिए नामांकित दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रंगम्मा हालांकि चिट्टी बाबू को चेतावनी देती है कि कई लोग जिन्होंने भूपति के खिलाफ चलना चुना उनके पति भी शामिल थे, बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। चिट्टी बाबू को पता चलता है कि भूपति ने उन सभी की हत्या कर दी और होश आता है कि कुमार बाबू खतरे में पड़ सकते हैं। वह भूपति से रिश्वत लेता है और ग्रामीणों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद कुमार बाबू ने नेतृत्व के लिए अपनी होड़ जारी रखी, जिसके कारण चिट्टी बाबू ने अपना विचार बदल दिया और भूपति को पैसे वापस कर दिए। राजमंदिरी में अपनी प्रेमिका पद्मा से मिलने गए कुमार बाबू पर गाँव के बाहरी इलाके में भूपति के समूह ने हमला कर दिया। सबसे पहले चिट्टी बाबू उसे मौत से बचाने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक नकाबपोश आदमी ने अपने पहले से ही घायल भाई का गला काट दिया। भूपति अपनी जान के डर से रंगस्थलम से भाग जाता है और चिट्टी बाबू उसे आसपास के गांव में खोजता रहता है। इस बीच रंगम्मा को सर्वसम्मति से गांव का अध्यक्ष चुना जाता है। बाद के दिनों में एक बिंदु पर चिट्टी बाबू नर्तकियों के एक समूह को उसी नाम के देवता को समर्पित भक्ति भजन में श्री मन्नारायण का पाठ करते हुए देखते हैं। वह याद करते हैं कि कुमार बाबू ने अपनी मृत्यु की रात कुछ कहने का प्रयास किया और महसूस किया कि वह श्री मन्नारायण दोहरा रहे थे। चिट्टी बाबू मदद के लिए दक्षिण मूर्ति से मिलने जाते हैं, हालांकि उसे बहुत देर हो जा चुकी है क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चिट्टी बाबू अपने गांव लौटे बिना बेहोशी की हालत में दक्षिण मूर्ति के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि मूर्ति ठीक नहीं हो सकते हैं और इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं। चिट्टी बाबू विरोध करते हैं और 2 साल तक दक्षिण मूर्ति की देखभाल करते हैं। एक दिन वह होश में आता है और चिट्टी बाबू उसे अपने घर वापस लाते हैं। इस जोड़ी के साथ राम लक्ष्मी भी है जो अब चिट्टी बाबू की पत्नी है। जैसा कि वे निजी तौर पर बात करते हैं, मूर्ति भूपति के बारे में पूछती है। चिट्टी बाबू जवाब देते हैं कि उन्होंने रंगस्थलम के बाहरी इलाके में उन्हें पीट पीट कर मार डाला। बाद में चिट्टी बाबू ने खुलासा किया कि कुमार बाबू की श्रीमन्नारायण के मरने वाले मंत्र के बाद मूर्ति ने अपने भाई की मौत के आयोजन के बारे में सीखा। निचली जाति से होने के बावजूद कुमार बाबू मूर्ति की बेटी पद्मा के साथ रिश्ते में थे। दक्षिणा ने इसका विरोध करते हुए उसे बाबू को मरवा डालने के लिए प्रेरित किया। चिट्टी बाबू ने 2 साल तक मूर्ति के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया ताकि वह मौत की पूरी पीड़ा का अनुभव कर सके। चिट्टी बाबू तब मूर्ति की हत्या कर देता है और राम लक्ष्मी के साथ इमारत छोड़ देता है क्योंकि पद्मा अपने पति के साथ आती है। तो कहानी काफी अच्छी, आप लोग देखिएगा मूवी को। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम बात करेंगे मूवी रंगस्थलम, आप लोग कैसे और कहां से देख पाएंगे वो भी फ्री में। साथ ही इस फिल्म के रिव्यू फैक्ट स्टोरी बताएंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। रंगस्थलम एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की अवधि की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। महात्री मूवी मेकर्स कंपनी के लिए वाई नवीन वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित फिल्म में रामचरण और सामंथा अक्किनेनी के साथ आदि पिनिसेट्टी, जगतपति बाबू, प्रकाश राज नरेश और अनुसुईया भारद्वाज प्रमुख भूमिका में हैं। रंगस्थलम 1980 के दशक में नामांकित
काल्पनिक गांव में स्थापित है। यह दो भाइयों चिट्टी बाबू और कुमार बाबू की कहानी बताती है, जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणीन्द्र भूपति ने नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई। कार्यकारी समय 178 मिनट का। भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई। बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर इसने 216 करोड़ कमाए। साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रंगस्थलम नामक फिल्म का एक कन्नड़ डब संस्करण 12 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इस फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहेंगे तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप लोग डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देख पाएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा। कहानी की बात करें कुछ इस प्रकार है। कहानी रंगस्थलम नाम के एक गाँव के रहने वाले चिट्टी बाबू आंशिक रूप से बहरे गुस्सेल खुश मिजाज हैं। वह अपने दोस्त कोली रंगम्मा के स्वामित्व वाली मोटर का उपयोग करके सिंचाई के खेतों में पानी भरकर जीविकोपार्जन करते हैं, जिसे वह आटा चक्के रूप में संदर्भित करता है। और एक अन्य ग्रामीण महेश द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चिट्टी बाबू अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं और राम लक्ष्मी से प्यार करते हैं, एक किसान जो शुरू में अपनी श्रवण हानि के अनजान। रंगस्थलम की स्थानीय सरकार का नेतृत्व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं। परिन भूपति एक प्रभावशाली क्रूर जमींदार जो सहकारी समिति का दुरुपयोग करता है, उच्च ब्याज दर वसूलता है और अवैतनिक ऋण के बहाने किसानों की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है। कुमार बाबू चिट्टी बाबू का भाई जो रोजगार के लिए गांव छोड़ गया था, रंगस्थलम लौटता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि राम लक्ष्मी की भूमि को उनके ऋण का भुगतान करने न करने के कारण समाज द्वारा जब्त कर लिया गया है। वह और कुमार बाबू इस पर समाज का सामना करते हैं, यह दावा करते हुए कि उसकी माँ ने मरने से पहले इसका भुगतान किया था और खातों को फुलाया गया था। चिट्टी बाबू महेश से सीखते हैं कि भूपति के गुर्गे सेनू डूके ने कुमार बाबू के कृत्यों के लिए गांव के सामने उनके पिता का अपमान किया था। चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी से नाराज हैं और सेसु नायडू से लड़ते हैं। अगले दिन भूपति ने मदद करने से इनकार कर दिया और कुमार बाबू ने स्थानीय विधायक से संपर्क किया। दक्षिण मूर्ति को चिट्टी बाबू की जमानत की व्यवस्था की। मूर्ति के समर्थन से कुमार बाबू ने रंगस्थलम के अध्यक्ष पद के लिए खुद को नामांकित किया। वे समय के साथ ग्रामीणों से समर्थन प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ वार्ड सदस्य के पद के लिए नामांकित दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रंगम्मा हालांकि चिट्टी बाबू को चेतावनी देती है कि कई लोग जिन्होंने भूपति के खिलाफ चलना चुना उनके पति भी शामिल थे, बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। चिट्टी बाबू को पता चलता है कि भूपति ने उन सभी की हत्या कर दी और होश आता है कि कुमार बाबू खतरे में पड़ सकते हैं। वह भूपति से रिश्वत लेता है और ग्रामीणों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद कुमार बाबू ने नेतृत्व के लिए अपनी होड़ जारी रखी, जिसके कारण चिट्टी बाबू ने अपना विचार बदल दिया और भूपति को पैसे वापस कर दिए। राजमंदिरी में अपनी प्रेमिका पद्मा से मिलने गए कुमार बाबू पर गाँव के बाहरी इलाके में भूपति के समूह ने हमला कर दिया। सबसे पहले चिट्टी बाबू उसे मौत से बचाने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक नकाबपोश आदमी ने अपने पहले से ही घायल भाई का गला काट दिया। भूपति अपनी जान के डर से रंगस्थलम से भाग जाता है और चिट्टी बाबू उसे आसपास के गांव में खोजता रहता है। इस बीच रंगम्मा को सर्वसम्मति से गांव का अध्यक्ष चुना जाता है। बाद के दिनों में एक बिंदु पर चिट्टी बाबू नर्तकियों के एक समूह को उसी नाम के देवता को समर्पित भक्ति भजन में श्री मन्नारायण का पाठ करते हुए देखते हैं। वह याद करते हैं कि कुमार बाबू ने अपनी मृत्यु की रात कुछ कहने का प्रयास किया और महसूस किया कि वह श्री मन्नारायण दोहरा रहे थे। चिट्टी बाबू मदद के लिए दक्षिण मूर्ति से मिलने जाते हैं। हालांकि उसे बहुत देर हो जा चुकी है, क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चिट्टी बाबू अपने गांव लौटे बिना बेहोशी की हालत में दक्षिण मूर्ति के पास जाते
जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि मूर्ति ठीक नहीं हो सकते हैं और इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं। चिट्टी बापू विरोध करते हैं और 2 साल तक दक्षिणा मूर्ति की देखभाल करते हैं। एक दिन वह होश में आता है और चिट्टी बाबू उसे अपने घर वापस लाते हैं। इस जोड़ी के साथ राम लक्ष्मी भी है जो अब चिट्टी बाबू की पत्नी है। जैसा कि वे निजी तौर पर बात करते हैं, मूर्ति भूपति के बारे में पूछती है। चिट्टी बाबू जवाब देते हैं कि उन्होंने रंगस्थलम के बाहरी इलाके में उन्हें पीट पीट कर मार डाला। बाद में चिट्टी बाबू ने खुलासा किया कि कुमार बाबू की श्रीमन्नारायण के मरने वाले मंत्र के बाद मूर्ति ने अपने भाई की मौत के आयोजन के बारे में सीखा। निचली जाति से होने के बावजूद कुमार बाबू मूर्ति की बेटी पद्मा के साथ रिश्ते में थे। दक्षिणा ने इसका विरोध करते हुए उसे बाबू को मरवा डालने के लिए प्रेरित किया। चिट्टी बाबू ने 2 साल तक मूर्ति के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया ताकि वह मौत की पूरी पीड़ा का अनुभव कर सके। चिट्टी बाबू तब मूर्ति की हत्या कर देता है और राम लक्ष्मी के साथ इमारत छोड़ देता है क्योंकि पद्मा अपने पति के साथ आती है। तो कहानी काफी अच्छी, आप लोग देखिएगा मूवी को। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे मूवी रंगस्थलम, आप लोग कैसे और कहाँ से देख पाएंगे वो भी फ्री में। साथ ही इस फिल्म के रिव्यू, फैक्ट, स्टोरी बताएंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। रंगस्थलम एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की अवधि की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। महात्री मूवी मेकर्स कंपनी के लिए वाई नवीन, वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित फिल्म में रामचरण और सामंथा अक्किनेनी के साथ आदि पिनिसेट्टी, जगतपति बाबू, प्रकाश राज नरेश और अनुसुईया भारद्वाज प्रमुख भूमिका में है। रंगस्थलम 1980 के दशक में नामांकित काल्पनिक गाँव में स्थापित है। यह 2 भाइयों चिट्टी बाबू और कुमार बाबू की कहानी बताती है जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणीन्द्र भूपति ने नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई। कार्यकारी समय 178 मिनट का। भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई। बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर इसने 216 करोड़ कमाए। साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रंगस्थलम नामक फिल्म का एक कन्नड़ डब संस्करण 12 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इस फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहेंगे तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप लोग डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देख पाएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा। कहानी की बात करें कुछ इस प्रकार है। कहानी रंगस्थलम नाम के एक गाँव के रहने वाले चिट्टी बाबू आंशिक रूप से बहरे गुस्सेल खुश मिजाज है। वह अपने दोस्त कोली रंगम्मा के स्वामित्व वाली मोटर का उपयोग करके सिंचाई के खेतों में पानी भरकर जीविकोपार्जन करते हैं, जिसे वह आटा चक्के रूप में संदर्भित करता है। और एक अन्य ग्रामीण महेश द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चिट्टी बाबू अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं और राम लक्ष्मी से प्यार करते हैं, एक किसान जो शुरू में अपनी श्रवण हानि के अनजान। रंगस्थलम की स्थानीय सरकार का नेतृत्व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं। फणीन्द्र भूपति एक प्रभावशाली क्रूर जमींदार जो सहकारी समिति का दुरुपयोग करता है, उच्च ब्याज दर वसूलता है और अवैतनिक ऋण के बहाने किसानों की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है। कुमार बाबू चिट्टी बाबू का भाई जो रोजगार के लिए गांव छोड़ गया था, रंगस्थलम लौटता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि राम लक्ष्मी की भूमि को उनके ऋण का भुगतान करने न करने के कारण समाज द्वारा जब्त कर लिया गया है। वह और कुमार बाबू इस पर समाज का सामना करते हैं, यह दावा करते हुए कि उसकी माँ ने मरने से पहले इसका भुगतान किया था और खातों को बुलाया गया था। चिट्टी बाबू महेश से सीखते हैं कि भूपति के गुर्गे सेनू नायडू के ने कुमार बाबू के कृत्यों के लिए गांव के सामने उनके पिता का अपमान किया था। चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी से नाराज हैं और सेसु नायडू से लड़ते हैं। अगले दिन भूपति ने मदद करने से इनकार कर दिया और कुमार बाबू ने स्थानीय विधायक से संपर्क किया। दक्षिण मूर्ति को चिट्टी बाबू की जमानत की व्यवस्था की। मूर्ति के समर्थन से कुमार बाबू ने रंगस्थलम के अध्यक्ष पद के लिए खुद को
नामांकित किया। वे समय के साथ ग्रामीणों से समर्थन प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ वार्ड सदस्य के पद के लिए नामांकित दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रंगम्मा हालांकि चिट्टी बाबू को चेतावनी देती है कि कई लोग जिन्होंने भूपति के खिलाफ चलना चुना उनके पति भी शामिल थे। बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए चिट्टी बाबू को पता चलता है कि भूपति ने उन सभी की हत्या कर दी और होश आता है कि कुमार बाबू खतरे में पड़ सकते हैं। वह भूपति से रिश्वत लेता है और ग्रामीणों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद कुमार बाबू ने नेतृत्व के लिए अपनी होड़ जारी रखी, जिसके कारण चिट्टी बाबू ने अपना विचार बदल दिया और भूपति को पैसे वापस कर दिए। राजमंदिरी में अपनी प्रेमिका पद्मा से मिलने गए कुमार बाबू पर गांव के बाहरी इलाके में भूपति के समूह ने हमला कर दिया। सबसे पहले चिट्टी बाबू उसे मौत से बचाने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक नकाबपोश आदमी ने अपने पहले से ही घायल भाई का गला काट दिया। भूपति अपनी जान के डर से रंगस्थलम से भाग जाता है और चिट्टी बाबू उसे आसपास के गांव में खोजता रहता है। इस बीच रंगम्मा को सर्वसम्मति से गांव का अध्यक्ष चुना जाता है। बाद के दिनों में एक बिंदु पर चिट्टी बाबू नर्तकियों के एक समूह को उसी नाम के देवता को समर्पित भक्ति भजन में श्री मन्नारायण का पाठ करते हुए देखते हैं। वह याद करते हैं कि कुमार बाबू ने अपनी मृत्यु की रात कुछ कहने का प्रयास किया और महसूस किया कि वह श्री मन्नारायण दोहरा रहे थे। चिट्टी बाबू मदद के लिए दक्षिण मूर्ति से मिलने जाते हैं, हालांकि उसे बहुत देर हो जा चुकी है क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चिट्टी बाबू अपने गांव लौटे बिना बेहोशी की हालत में दक्षिण मूर्ति के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि मूर्ति ठीक नहीं हो सकते हैं और इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं। चिट्टी बाबू विरोध करते हैं और 2 साल तक दक्षिणा मूर्ति की देखभाल करते हैं। एक दिन वह होश में आता है और चिट्टी बाबू उसे अपने घर वापस लाते हैं। इस जोड़ी के साथ राम लक्ष्मी भी है, जो अब चिट्टी बाबू की पत्नी है। जैसा कि वे निजी तौर पर बात करते हैं, मूर्ति भूपति के बारे में पूछती है। चिट्टी बाबू जवाब देते हैं कि उन्होंने रंगस्थलम के बाहरी इलाके में उन्हें पीट पीट कर मार डाला। बाद में चिट्टी बाबू ने खुलासा किया कि कुमार बाबू की श्रीमन्नारायण के मरने वाले मंत्र के बाद मूर्ति ने अपने भाई की मौत के आयोजन के बारे में सीखा। निचली जाति से होने के बावजूद कुमार बाबू मूर्ति की बेटी पद्मा के साथ रिश्ते में थे। दक्षिणा ने इसका विरोध करते हुए उसे बाबू को मरवा डालने के लिए प्रेरित किया। चिट्टी बाबू ने 2 साल तक मूर्ति के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया ताकि वह मौत की पूरी पीड़ा का अनुभव कर सके। चिट्टी बाबू तब मूर्ति की हत्या कर देता है और राम लक्ष्मी के साथ इमारत छोड़ देता है, क्योंकि पद्मा अपने पति के साथ आती है। तो कहानी काफी अच्छी, आप लोग देखिएगा मूवी को। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम बात करेंगे मूवी रंगस्थलम, आप लोग कैसे और कहाँ से देख पाएंगे वो भी फ्री में। साथ ही इस फिल्म के रिव्यू, फैक्ट, स्टोरी बताएंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। रंगस्थलम एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की अवधि की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। महात्री मूवी मेकर्स कंपनी के लिए वाई नवीन, वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित फिल्म में रामचरण और सामंथा अक्किनेनी के साथ आदि पिनिसेट्टी, जगतपति बाबू, प्रकाश राज नरेश और अनुसुईया भारद्वाज प्रमुख भूमिका में है। रंगस्थलम 1980 के दशक में नामांकित काल्पनिक गाँव में स्थापित है। यह 2 भाइयों चिट्टी बाबू और कुमार बाबू की कहानी बताती है, जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणीन्द्र भूपति ने नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई। कार्यकारी समय 178 मिनट का। भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई। बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर इसने 216 करोड़ कमाए। साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रंगस्थलम नामक फिल्म का एक कन्नड़ डब संस्करण 12 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इस फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहेंगे तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख पाएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा। कहानी की बात करें कुछ इस प्रकार है। कहानी रंगस्थलम नाम के एक
एक गांव के रहने वाले चिट्टी बाबू आंशिक रूप से बहरे गुस्सैल खुश मिजाज हैं। वह अपने दोस्त कोली रंगम्मा के स्वामित्व वाली मोटर का उपयोग करके सिंचाई के खेतों में पानी भरकर जीविकोपार्जन करते हैं, जिसे वह आटा चके रूप में संदर्भित करता है। और एक अन्य ग्रामीण महेश द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चिट्टी बाबू अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं और राम लक्ष्मी से प्यार करते हैं। एक किसान जो शुरू में अपनी श्रवण हानि के अनजान थी। रंगस्थलम की स्थानीय सरकार का नेतृत्व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं। परिन भूपति एक प्रभावशाली क्रूर जमींदार जो सहकारी समिति का दुरुपयोग करता है, उच्च ब्याज दर वसूलता है और अवैतनिक ऋण के बहाने किसानों की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है। कुमार बाबू चिट्टी बाबू का भाई जो रोजगार के लिए गांव छोड़ गया था, रंगस्थलम लौटता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि राम लक्ष्मी की भूमि को उनके ऋण का भुगतान करने न करने के कारण समाज द्वारा जब्त कर लिया गया है। वह और कुमार बाबू इस पर समाज का सामना करते हैं, यह दावा करते हुए कि उसकी माँ ने मरने से पहले इसका भुगतान किया था और खातों को फुलाया गया था। चिट्टी बाबू महेश से सीखते हैं कि भूपति के गुर्गे सेनू नायडू के ने कुमार बाबू के कृत्यों के लिए गांव के सामने उनके पिता का अपमान किया था। चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी से नाराज हैं और सेसू नायडू से लड़ते हैं। अगले दिन भूपति ने मदद करने से इनकार कर दिया और कुमार बाबू ने स्थानीय विधायक से संपर्क किया। दक्षिण मूर्ति को चिट्टी बाबू की जमानत की व्यवस्था की। मूर्ति के समर्थन से कुमार बाबू ने रंगस्थलम के अध्यक्ष पद के लिए खुद को नामांकित किया। वे समय के साथ ग्रामीणों से समर्थन प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ वार्ड सदस्य के पद के लिए नामांकित दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रंगम्मा हालांकि चिट्टी बाबू को चेतावनी देती है कि कई लोग जिन्होंने भूपति के खिलाफ चलना चुना उनके पति भी शामिल थे, बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। चिट्टी बाबू को पता चलता है कि भूपति ने उन सभी की हत्या कर दी और होश आता है कि कुमार बाबू खतरे में पड़ सकते हैं। वह भूपति से रिश्वत लेता है और ग्रामीणों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद कुमार बाबू ने नेतृत्व के लिए अपनी होड़ जारी रखी, जिसके कारण चिट्टी बाबू ने अपना विचार बदल दिया और भूपति को पैसे वापस कर दिए। राजमंदिरी में अपनी प्रेमिका पद्मा से मिलने गए कुमार बाबू पर गाँव के बाहरी इलाके में भूपति के समूह ने हमला कर दिया। सबसे पहले चिट्टी बाबू उसे मौत से बचाने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक नकाबपोश आदमी ने अपने पहले से ही घायल भाई का गला काट दिया। भूपति अपनी जान के डर से रंगस्थलम से भाग जाता है और चिट्टी बाबू उसे आसपास के गांव में खोजता रहता है। इस बीच रंगम्मा को सर्वसम्मति से गांव का अध्यक्ष चुना जाता है। बाद के दिनों में एक बिंदु पर चिट्टी बाबू नर्तकियों के एक समूह को उसी नाम के देवता को समर्पित भक्ति भजन में श्री मन्नारायण का पाठ करते हुए देखते हैं। वह याद करते हैं कि कुमार बाबू ने अपनी मृत्यु की रात कुछ कहने का प्रयास किया और महसूस किया कि वह श्री मन्नारायण दोहरा रहे थे। चिट्टी बाबू मदद के लिए दक्षिण मूर्ति से मिलने जाते हैं। हालांकि उसे बहुत देर हो जा चुकी है, क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चिट्टी बाबू अपने गांव लौटे बिना बेहोशी की हालत में दक्षिण मूर्ति के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि मूर्ति ठीक नहीं हो सकते हैं और इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं। चिट्टी बाबू विरोध करते हैं और 2 साल तक दक्षिण मूर्ति की देखभाल करते हैं। एक दिन वह होश में आता है और चिट्टी बाबू उसे अपने घर वापस लाते हैं। इस जोड़ी के साथ राम लक्ष्मी भी है, जो अब चिट्टी बाबू की पत्नी है। जैसा कि वे निजी तौर पर बात करते हैं, मूर्ति भूपति के बारे में पूछती है। चिट्टी बाबू जवाब देते हैं कि उन्होंने रंगस्थलम के बाहरी इलाके में उन्हें पीट पीट कर मार डाला। बाद में चिट्टी बाबू ने खुलासा किया कि कुमार बाबू की श्रीमन्नारायण के मरने वाले मंत्र के बाद मूर्ति ने अपने भाई की मौत के आयोजन के बारे में सीखा। निचली जाति से होने के बावजूद कुमार बाबू मूर्ति की बेटी पद्मा के साथ रिश्ते में थे। दक्षिणा ने इसका विरोध करते हुए उसे बाबू को मरवा डालने के लिए प्रेरित किया। चिट्टी बाबू ने 2 साल तक मूर्ति के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया, ताकि वह मौत की पूरी पीड़ा का अनुभव कर सके। चिट्टी बाबू तब मूर्ति की हत्या कर देता है और राम लक्ष्मी के साथ इमारत छोड़ देता है, क्योंकि पद्मा अपने पति के साथ आती है। तो कहानी काफी अच्छी, आप लोग देखिएगा मूवी को। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे मूवी रंगस्थलम, आप लोग कैसे और कहां से देख पाएंगे वो भी फ्री में। साथ ही इस फिल्म के रिव्यू, फैक्ट, स्टोरी बताएंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। रंगस्थलम एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की अवधि की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। महात्री मूवी मेकर्स कंपनी के लिए वाई नवीन वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित फिल्म में रामचरण और सामंथा अक्किनेनी के साथ आदि पिनिसेट्टी, जगतपति बाबू, प्रकाश राज नरेश और अनुसुईया भारद्वाज प्रमुख भूमिका में हैं। रंगस्थलम 1980 के दशक में नामांकित काल्पनिक गाँव में स्थापित है। यह दो भाइयों चिट्टी बाबू और कुमार बाबू की कहानी बताती है जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणीन्द्र भूपति ने नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई। कार्यकारी समय 178 मिनट का। भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई। बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर इसने 216 करोड़ कमाए। साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रंगस्थलम नामक फिल्म का एक कन्नड़ डब संस्करण 12 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इस फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहेंगे तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप लोग डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देख पाएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा। कहानी की बात करें कुछ इस प्रकार है। कहानी रंगस्थलम नाम के एक गाँव के रहने वाले चिट्टी बाबू आंशिक रूप से बहरे गुस्सेल खुश मिजाज हैं। वह अपने दोस्त कोली रंगम्मा के स्वामित्व वाली मोटर का उपयोग करके सिंचाई के खेतों में पानी भरकर जीविकोपार्जन करते हैं, जिसे वह आटा चक्के रूप में संदर्भित करता है। और एक अन्य ग्रामीण महेश द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चिट्टी बाबू अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं और राम लक्ष्मी से प्यार करते हैं, एक किसान जो शुरू में अपनी श्रवण हानि के अनजान। रंगस्थलम की स्थानीय सरकार का नेतृत्व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं परिन भूपति, एक प्रभावशाली क्रूर जमींदार जो सहकारी समिति का दुरुपयोग करता है, उच्च ब्याज दर वसूलता है और अवैतनिक ऋण के बहाने किसानों की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है। कुमार बाबू चिट्टी बाबू का भाई जो रोजगार के लिए गांव छोड़ गया था, रंगस्थलम लौटता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि राम लक्ष्मी की भूमि को उनके ऋण का भुगतान करने न करने के कारण समाज द्वारा जब्त कर लिया गया है। वह और कुमार बाबू इस पर समाज का सामना करते हैं, यह दावा करते हुए कि उसकी माँ ने मरने से पहले इसका भुगतान किया था और खातों को फुलाया गया था। चिट्टी बाबू महेश से सीखते हैं कि भूपति के गुर्गे सेनू नायडू के ने कुमार बाबू के कृत्यों के लिए गांव के सामने उनके पिता का अपमान किया था। चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी से नाराज हैं और सेसु नायडू से लड़ते हैं। अगले दिन भूपति ने मदद करने से इनकार कर दिया और कुमार बाबू ने स्थानीय विधायक से संपर्क किया। दक्षिण मूर्ति को चिट्टी बाबू की जमानत की व्यवस्था की। मूर्ति के समर्थन से कुमार बाबू ने रंगस्थलम के अध्यक्ष पद के लिए खुद को नामांकित किया। वे समय के साथ ग्रामीणों से समर्थन प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ वार्ड सदस्य के पद के लिए नामांकित दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रंगम्मा हालांकि चिट्टी बाबू को चेतावनी देती है कि कई लोग जिन्होंने भूपति के खिलाफ चलना चुना उनके पति भी शामिल थे, बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। चिट्टी बाबू को पता चलता है कि भूपति ने उन सभी की हत्या कर दी और होश आता है कि कुमार बाबू खतरे में पड़ सकते हैं। वह भूपति से रिश्वत लेता है और ग्रामीणों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद कुमार बाबू ने नेतृत्व के लिए अपनी होड़ जारी रखी, जिसके कारण चिट्टी बाबू ने अपना विचार बदल दिया और भूपति को पैसे वापस कर दिए। राजमंदिरी में अपनी प्रेमिका पद्मा से मिलने गए कुमार बाबू पर गाँव के बाहरी इलाके में भूपति के समूह ने हमला कर दिया। सबसे पहले चिट्टी बाबू उसे मौत से बचाने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक नकाबपोश आदमी ने अपने पहले से ही घायल भाई का गला काट दिया। भूपति अपनी जान के डर से रंगस्थलम से भाग जाता है और चिट्टी बाबू उसे आसपास के गांव में खोजता रहता है। इस बीच रंगम्मा को सर्वसम्मति से गांव का अध्यक्ष चुना जाता है। बाद के दिनों में एक बिंदु पर चिट्टी बाबू नर्तकियों के एक समूह को उसी नाम के देवता
माता को समर्पित भक्ति भजन में श्री मन नारायण का पाठ करते हुए देखते हैं। वह याद करते हैं कि कुमार बाबू ने अपनी मृत्यु की रात कुछ कहने का प्रयास किया और महसूस किया कि वह श्री मन नारायण दोहरा रहे थे। चिट्टी बाबू मदद के लिए दक्षिण मूर्ति से मिलने जाते हैं, हालांकि उसे बहुत देर हो जा चुकी है क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चिट्टी बाबू अपने गांव लौटे बिना बेहोशी की हालत में दक्षिण मूर्ति के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि मूर्ति ठीक नहीं हो सकते हैं और इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं। चिट्टी बाबू विरोध करते हैं और 2 साल तक दक्षिणा मूर्ति की देखभाल करते हैं। एक दिन वह होश में आता है और चिट्टी बाबू उसे अपने घर वापस लाते हैं। इस जोड़ी के साथ राम लक्ष्मी भी है जो अब चिट्टी बाबू की पत्नी है। जैसा कि वे निजी तौर पर बात करते हैं, मूर्ति भूपति के बारे में पूछती है। चिट्टी बाबू जवाब देते हैं कि उन्होंने रंगस्थलम के बाहरी इलाके में उन्हें पीट पीट कर मार डाला। बाद में चिट्टी बाबू ने खुलासा किया कि कुमार बाबू की श्रीमन नारायण के मरने वाले मंत्र के बाद मूर्ति ने अपने भाई की मौत के आयोजन के बारे में सीखा। निचली जाति से होने के बावजूद कुमार बाबू मूर्ति की बेटी पद्मा के साथ रिश्ते में थे। दक्षिणा ने इसका विरोध करते हुए उसे बाबू को मरवा डालने के लिए प्रेरित किया। चिट्टी बाबू ने 2 साल तक मूर्ति के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया ताकि वह मौत की पूरी पीड़ा का अनुभव कर सके। चिट्टी बाबू तब मूर्ति की हत्या कर देता है और राम लक्ष्मी के साथ इमारत छोड़ देता है क्योंकि पद्मा अपने पति के साथ आती है। तो कहानी काफी अच्छी, आप लोग देखिएगा मूवी को। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम बात करेंगे मूवी रंगस्थलम, आप लोग कैसे और कहाँ से देख पाएंगे वो भी फ्री में। साथ ही इस फिल्म के रिव्यू, फैक्ट, स्टोरी बताएंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। रंगस्थलम एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की अवधि की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। महात्री मूवी मेकर्स कंपनी के लिए वाई नवीन वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित फिल्म में रामचरण और सामंथा अक्किनेनी के साथ आदि पिनिसेट्टी, जगतपति बाबू, प्रकाश राज नरेश और अनुसुईया भारद्वाज प्रमुख भूमिका में है। रंगस्थलम 1980 के दशक में नामांकित काल्पनिक गाँव में स्थापित है। यह 2 भाइयों चिट्टी बाबू और कुमार बाबू की कहानी बताती है जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणीन्द्र भूपति ने नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई। कार्यकारी समय 178 मिनट का। भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई। बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर इसने 216 करोड़ कमाए। साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रंगस्थलम नामक फिल्म का एक कन्नड़ डब संस्करण 12 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इस फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहेंगे तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख पाएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा। कहानी की बात करें कुछ इस प्रकार है। कहानी रंगस्थलम नाम के एक गाँव के रहने वाले चिट्टी बाबू आंशिक रूप से बहरे गुस्सेल खुश मिजाज है। वह अपने दोस्त कोली रंगम्मा के स्वामित्व वाली मोटर का उपयोग करके सिंचाई के खेतों में पानी भरकर जीविकोपार्जन करते हैं, जिसे वह आटा चक्के रूप में संदर्भित करता है। और एक अन्य ग्रामीण महेश द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चिट्टी बाबू अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं और राम लक्ष्मी से प्यार करते हैं, एक किसान जो शुरू में अपनी श्रवण हानि के अनजान। रंगस्थलम की स्थानीय सरकार का नेतृत्व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं। परिन भूपति एक प्रभावशाली क्रूर जमींदार जो सहकारी समिति का दुरुपयोग करता है, उच्च ब्याज दर वसूलता है और अवैतनिक ऋण के बहाने किसानों की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है। कुमार बाबू चिट्टी बाबू का भाई जो रोजगार के लिए गांव छोड़ गया था, रंगस्थलम लौटता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि राम लक्ष्मी की भूमि को उनके ऋण का भुगतान करने न करने के कारण समाज द्वारा जब्त कर लिया गया है। वह और कुमार बाबू इस पर समाज का सामना करते
करते हैं यह दावा करते हुए कि उसकी मां ने मरने से पहले इसका भुगतान किया था और खातों को फुलाया गया था। चिट्टी बाबू महेश से सीखते हैं कि भूपति के गुर्गे सेनू नायडू के ने कुमार बाबू के कृत्यों के लिए गाँव के सामने उनके पिता का अपमान किया था। चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी से नाराज हैं और सेसु नायडू से लड़ते हैं। अगले दिन भूपति ने मदद करने से इनकार कर दिया और कुमार बाबू ने स्थानीय विधायक से संपर्क किया। दक्षिण मूर्ति को चिट्टी बाबू की जमानत की व्यवस्था की। मूर्ति के समर्थन से कुमार बाबू ने रंगस्थलम के अध्यक्ष पद के लिए खुद को नामांकित किया। वे समय के साथ ग्रामीणों से समर्थन प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ वार्ड सदस्य के पद के लिए नामांकित दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रंगम्मा हालांकि चिट्टी बाबू को चेतावनी देती है कि कई लोग जिन्होंने भूपति के खिलाफ चलना चुना उनके पति भी शामिल थे। बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। चिट्टी बाबू को पता चलता है कि भूपति ने उन सभी की हत्या कर दी और होश आता है कि कुमार बाबू खतरे में पड़ सकते हैं। वह भूपति से रिश्वत लेता है और ग्रामीणों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद कुमार बाबू ने नेतृत्व के लिए अपनी होड़ जारी रखी, जिसके कारण चिट्टी बाबू ने अपना विचार बदल दिया और भूपति को पैसे वापस कर दिए। राजमंदिरी में अपनी प्रेमिका पद्मा से मिलने गए कुमार बाबू पर गाँव के बाहरी इलाके में भूपति के समूह ने हमला कर दिया। सबसे पहले चिट्टी बाबू उसे मौत से बचाने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक नकाबपोश आदमी ने अपने पहले से ही घायल भाई का गला काट दिया। भूपति अपनी जान के डर से रंगस्थलम से भाग जाता है और चिट्टी बाबू उसे आसपास के गांव में खोजता रहता है। इस बीच रंगम्मा को सर्वसम्मति से गांव का अध्यक्ष चुना जाता है। बाद के दिनों में एक बिंदु पर चिट्टी बाबू नर्तकियों के एक समूह को उसी नाम के देवता को समर्पित भक्ति भजन में श्री मन्नारायण का पाठ करते हुए देखते हैं। वह याद करते हैं कि कुमार बाबू ने अपनी मृत्यु की रात कुछ कहने का प्रयास किया और महसूस किया कि वह श्री मन्नारायण दोहरा रहे थे। चिट्टी बाबू मदद के लिए दक्षिण मूर्ति से मिलने जाते हैं। हालांकि उसे बहुत देर हो जा चुकी है, क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चिट्टी बाबू अपने गांव लौटे बिना बेहोशी की हालत में दक्षिण मूर्ति के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि मूर्ति ठीक नहीं हो सकते हैं और इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं। चिट्टी बाबू विरोध करते हैं और 2 साल तक दक्षिण मूर्ति की देखभाल करते हैं। एक दिन वह होश में आता है और चिट्टी बाबू उसे अपने घर वापस लाते हैं। इस जोड़ी के साथ राम लक्ष्मी भी है, जो अब चिट्टी बाबू की पत्नी है। जैसा कि वे निजी तौर पर बात करते हैं, मूर्ति भूपति के बारे में पूछती है। चिट्टी बाबू जवाब देते हैं कि उन्होंने रंगस्थलम के बाहरी इलाके में उन्हें पीट पीट कर मार डाला। बाद में चिट्टी बाबू ने खुलासा किया कि कुमार बाबू की श्रीमन्नारायण के मरने वाले मंत्र के बाद मूर्ति ने अपने भाई की मौत के आयोजन के बारे में सीखा। निचली जाति से होने के बावजूद कुमार बाबू मूर्ति की बेटी पद्मा के साथ रिश्ते में थे। दक्षिणा ने इसका विरोध करते हुए उसे बाबू को मरवा डालने के लिए प्रेरित किया। चिट्टी बाबू ने 2 साल तक मूर्ति के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया, ताकि वह मौत की पूरी पीड़ा का अनुभव कर सके। चिट्टी बाबू तब मूर्ति की हत्या कर देता है और राम लक्ष्मी के साथ इमारत छोड़ देता है, क्योंकि पद्मा अपने पति के साथ आती है। तो कहानी काफी अच्छी, आप लोग देखिएगा मूवी को। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम बात करेंगे मूवी रंगस्थलम, आप लोग कैसे और कहाँ से देख पाएंगे, वो भी फ्री में। साथ ही इस फिल्म के रिव्यू, फैक्ट, स्टोरी बताएंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। रंगस्थलम एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की अवधि की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। महात्री मूवी मेकर्स कंपनी के लिए वाई नवीन, वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित फिल्म में रामचरण और सामंथा अक्किनेनी के साथ आदि पिनिसेट्टी, जगतपति बाबू, प्रकाश राज नरेश और अनुसुईया भारद्वाज प्रमुख भूमिका में है। रंगस्थलम 1980 के दशक में नामांकित काल्पनिक गाँव में स्थापित है। यह दो भाइयों चिट्टी बाबू
बाबू और कुमार बाबू की कहानी बताती है, जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणीन्द्र भूपति ने नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई। कार्यकारी समय 178 मिनट का। भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई। बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर इसने 216 करोड़ कमाए। साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रंगस्थलम नामक फिल्म का एक कन्नड़ डब संस्करण 12 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इस फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म को आईएमडीबी द्वारा 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहेंगे तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख पाएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा। कहानी की बात करें कुछ इस प्रकार है। कहानी रंगस्थलम नाम के एक गाँव के रहने वाले चिट्टी बाबू आंशिक रूप से गुस्सैल खुश मिजाज है। वह अपने दोस्त कोली रंगम्मा के स्वामित्व वाली मोटर का उपयोग करके सिंचाई के खेतों में पानी भरकर जीविकोपार्जन करते हैं, जिसे वह आटा चके रूप में संदर्भित करता है। और एक अन्य ग्रामीण महेश द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चिट्टी बाबू अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं और राम लक्ष्मी से प्यार करते हैं, एक किसान जो शुरू में अपनी श्रवण हानि के अनजान। रंगस्थलम की स्थानीय सरकार का नेतृत्व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं। फणीन्द्र भूपति एक प्रभावशाली क्रूर जमींदार जो सहकारी समिति का दुरुपयोग करता है, उच्च ब्याज दर वसूलता है और अवैतनिक ऋण के बहाने किसानों की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है। कुमार बाबू चिट्टी बाबू का भाई जो रोजगार के लिए गांव छोड़ गया था, रंगस्थलम लौटता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि राम लक्ष्मी की भूमि को उनके ऋण का भुगतान करने न करने के कारण समाज द्वारा जब्त कर लिया गया है। वह और कुमार बाबू इस पर समाज का सामना करते हैं, यह दावा करते हुए कि उसकी माँ ने मरने से पहले इसका भुगतान किया था और खातों को फुलाया गया था। चिट्टी बाबू महेश से सीखते हैं कि भूपति के गुर्गे सेनू डूके ने कुमार बाबू के कृत्यों के लिए गांव के सामने उनके पिता का अपमान किया था। चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी से नाराज हैं और सेसू नायडू से लड़ते हैं। अगले दिन भूपति ने मदद करने से इनकार कर दिया और कुमार बाबू ने स्थानीय विधायक से संपर्क किया। दक्षिण मूर्ति को चिट्टी बाबू की जमानत की व्यवस्था की। मूर्ति के समर्थन से कुमार बाबू ने रंगस्थलम के अध्यक्ष पद के लिए खुद को नामांकित किया। वे समय के साथ ग्रामीणों से समर्थन प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ वार्ड सदस्य के पद के लिए नामांकित दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रंगम्मा हालांकि चिट्टी बाबू को चेतावनी देती है कि कई लोग जिन्होंने भूपति के खिलाफ चलना चुना, उनके पति भी शामिल थे, बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। चिट्टी बाबू को पता चलता है कि भूपति ने उन सभी की हत्या कर दी और होश आता है कि कुमार बाबू खतरे में पड़ सकते हैं। वह भूपति से रिश्वत लेता है और ग्रामीणों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद कुमार बाबू ने नेतृत्व के लिए अपनी होड़ जारी रखी, जिसके कारण चिट्टी बाबू ने अपना विचार बदल दिया और भूपति को पैसे वापस कर दिए। राजमंदिरी में अपनी प्रेमिका पद्मा से मिलने गए कुमार बाबू पर गांव के बाहरी इलाके में भूपति के समूह ने हमला कर दिया। सबसे पहले चिट्टी बाबू उसे मौत से बचाने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक नकाबपोश आदमी ने अपने पहले से ही घायल भाई का गला काट दिया। भूपति अपनी जान के डर से रंगस्थलम से भाग जाता है और चिट्टी बाबू उसे आसपास के गांव में खोजता रहता है। इस बीच रंगम्मा को सर्वसम्मति से गांव का अध्यक्ष चुना जाता है। बाद के दिनों में एक बिंदु पर चिट्टी बाबू नर्तकियों के एक समूह को उसी नाम के देवता को समर्पित भक्ति भजन में श्री मन्नारायण का पाठ करते हुए देखते हैं। वह याद करते हैं कि कुमार बाबू ने अपनी मृत्यु की रात कुछ कहने का प्रयास किया और महसूस किया कि वह श्री मन्नारायण दोहरा रहे थे। चिट्टी बाबू मदद के लिए दक्षिण मूर्ति से मिलने जाते हैं। हालांकि उसे बहुत देर हो जा चुकी है, क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चिट्टी बाबू अपने गांव लौटे बिना बेहोशी की हालत में दक्षिण मूर्ति के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि मूर्ति ठीक नहीं हो सकते हैं और इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं। चिट्टी बाबू विरोध करते हैं और 2 साल तक दक्षिणा मूर्ति की देखभाल करते हैं। एक दिन वह होश में आता है और चिट्टी
बाबू उसे अपने घर वापस लाते हैं। इस जोड़ी के साथ राम लक्ष्मी भी हैं, जो अब चिट्टी बाबू की पत्नी है। जैसा कि वे निजी तौर पर बात करते हैं, मूर्ति भूपति के बारे में पूछती है। चिट्टी बाबू जवाब देते हैं कि उन्होंने रंगस्थलम के बाहरी इलाके में उन्हें पीट पीट कर मार डाला। बाद में चिट्टी बाबू ने खुलासा किया कि कुमार बाबू की श्रीमन्नारायण के मरने वाले मंत्र के बाद मूर्ति ने अपने भाई की मौत के आयोजन के बारे में सीखा। निचली जाति से होने के बावजूद कुमार बाबू मूर्ति की बेटी पद्मा के साथ रिश्ते में थे। दक्षिणा ने इसका विरोध करते हुए उसे बाबू को मरवा डालने के लिए प्रेरित किया। चिट्टी बाबू ने 2 साल तक मूर्ति के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया, ताकि वह मौत की पूरी पीड़ा का अनुभव कर सके। चिट्टी बाबू तब मूर्ति की हत्या कर देता है और राम लक्ष्मी के साथ इमारत छोड़ देता है, क्योंकि पद्मा अपने पति के साथ आती है। तो कहानी काफी अच्छी, आप लोग देखिएगा मूवी को। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम बात करेंगे मूवी रंगस्थलम, आप लोग कैसे और कहां से देख पाएंगे, वो भी फ्री में। साथ ही इस फिल्म के रिव्यू, फैक्ट, स्टोरी बताएंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। रंगस्थलम एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की अवधि की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। महात्री मूवी मेकर्स कंपनी के लिए वाई नवीन वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित फिल्म में रामचरण और सामंथा अक्किनेनी के साथ आदि पिनिसेट्टी, जगतपति बाबू, प्रकाश राज नरेश और अनुसुईया भारद्वाज प्रमुख भूमिका में है। रंगस्थलम 1980 के दशक में नामांकित काल्पनिक गांव में स्थापित है। यह दो भाइयों चिट्टी बाबू और कुमार बाबू की कहानी बताती है, जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणीन्द्र भूपति ने नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई। कार्यकारी समय 178 मिनट का। भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई। बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर इसने 216 करोड़ कमाए। साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रंगस्थलम नामक फिल्म का एक कन्नड़ डब संस्करण 12 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इस फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहेंगे तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख पाएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा। कहानी की बात करें कुछ इस प्रकार है। कहानी रंगस्थलम नाम के एक गाँव के रहने वाले चिट्टी बाबू आंशिक रूप से बहरे गुस्सेल खुश मिजाज हैं। वह अपने दोस्त कोली रंगम्मा के स्वामित्व वाली मोटर का उपयोग करके सिंचाई के खेतों में पानी भरकर जीविकोपार्जन करते हैं, जिसे वह आटा चक्के रूप में संदर्भित करता है। और एक अन्य ग्रामीण महेश द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चिट्टी बाबू अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं और राम लक्ष्मी से प्यार करते हैं, एक किसान जो शुरू में अपनी श्रवण हानि के अनजान। रंगस्थलम की स्थानीय सरकार का नेतृत्व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं। परिन भूपति एक प्रभावशाली क्रूर जमींदार, जो सहकारी समिति का दुरुपयोग करता है, उच्च ब्याज दर वसूलता है और अवैतनिक ऋण के बहाने किसानों की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है। कुमार बाबू चिट्टी बाबू का भाई, जो रोजगार के लिए गांव छोड़ गया था, रंगस्थलम लौटता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि राम लक्ष्मी की भूमि को उनके ऋण का भुगतान करने न करने के कारण समाज द्वारा जब्त कर लिया गया है। वह और कुमार बाबू इस पर समाज का सामना करते हैं, यह दावा करते हुए कि उसकी माँ ने मरने से पहले इसका भुगतान किया था और खातों को फुलाया गया था। चिट्टी बाबू महेश से सीखते हैं कि भूपति के गुर्गे सेनू डूके ने कुमार बाबू के कृत्यों के लिए गांव के सामने उनके पिता का अपमान किया था। चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी से नाराज हैं और सेसु नायडू से लड़ते हैं। अगले दिन भूपति ने मदद करने से इनकार कर दिया और कुमार बाबू ने स्थानीय विधायक से संपर्क किया। दक्षिण मूर्ति को चिट्टी बाबू की जमानत की व्यवस्था की। मूर्ति के समर्थन से कुमार बाबू ने रंगस्थलम के अध्यक्ष पद के लिए खुद को नामांकित किया। वे समय के साथ ग्रामीणों से समर्थन प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ वार्ड सदस्य के पद के लिए नामांकित दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रंगम्मा हालांकि चिट्टी बाबू को चेतावनी देती है कि कई लोग जिन्होंने भूपति के खिलाफ चलना चुना, उनके पति भी शामिल थे।
बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। चिट्टी बाबू को पता चलता है कि भूपति ने उन सभी की हत्या कर दी और होश आता है कि कुमार बाबू खतरे में पड़ सकते हैं। वह भूपति से रिश्वत लेता है और ग्रामीणों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद कुमार बाबू ने नेतृत्व के लिए अपनी होड़ जारी रखी, जिसके कारण चिट्टी बाबू ने अपना विचार बदल दिया और भूपति को पैसे वापस कर दिए। राजमंदिरी में अपनी प्रेमिका पद्मा से मिलने गए कुमार बाबू पर गांव के बाहरी इलाके में भूपति के समूह ने हमला कर दिया। सबसे पहले चिट्टी बाबू उसे मौत से बचाने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक नकाबपोश आदमी ने अपने पहले से ही घायल भाई का गला काट दिया। भूपति अपनी जान के डर से रंगस्थलम से भाग जाता है और चिट्टी बाबू उसे आसपास के गांव में खोजता रहता है। इस बीच रंगम्मा को सर्वसम्मति से गांव का अध्यक्ष चुना जाता है। बाद के दिनों में एक बिंदु पर चिट्टी बाबू नर्तकियों के एक समूह को उसी नाम के देवता को समर्पित भक्ति भजन में श्री मन्नारायण का पाठ करते हुए देखते हैं। वह याद करते हैं कि कुमार बाबू ने अपनी मृत्यु की रात कुछ कहने का प्रयास किया और महसूस किया कि वह श्री मन्नारायण दोहरा रहे थे। चिट्टी बाबू मदद के लिए दक्षिण मूर्ति से मिलने जाते हैं। हालांकि उसे बहुत देर हो जा चुकी है, क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चिट्टी बाबू अपने गांव लौटे बिना बेहोशी की हालत में दक्षिण मूर्ति के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि मूर्ति ठीक नहीं हो सकते हैं और इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं। चिट्टी बाबू विरोध करते हैं और 2 साल तक दक्षिणा मूर्ति की देखभाल करते हैं। एक दिन वह होश में आता है और चिट्टी बाबू उसे अपने घर वापस लाते हैं। इस जोड़ी के साथ राम लक्ष्मी भी है, जो अब चिट्टी बाबू की पत्नी है। जैसा कि वे निजी तौर पर बात करते हैं, मूर्ति भूपति के बारे में पूछती है। चिट्टी बाबू जवाब देते हैं कि उन्होंने रंगस्थलम के बाहरी इलाके में उन्हें पीट पीट कर मार डाला। बाद में चिट्टी बाबू ने खुलासा किया कि कुमार बाबू की श्रीमन्नारायण के मरने वाले मंत्र के बाद मूर्ति ने अपने भाई की मौत के आयोजन के बारे में सीखा। निचली जाति से होने के बावजूद कुमार बाबू मूर्ति की बेटी पद्मा के साथ रिश्ते में थे। दक्षिणा ने इसका विरोध करते हुए उसे बाबू को मरवा डालने के लिए प्रेरित किया। चिट्टी बाबू ने 2 साल तक मूर्ति के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया, ताकि वह मौत की पूरी पीड़ा का अनुभव कर सके। चिट्टी बाबू तब मूर्ति की हत्या कर देता है और राम लक्ष्मी के साथ इमारत छोड़ देता है, क्योंकि पद्मा अपने पति के साथ आती है। तो कहानी काफी अच्छी, आप लोग देखिएगा मूवी को। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बात करेंगे मूवी रंगस्थलम, आप लोग कैसे और कहाँ से देख पाएंगे, वो भी फ्री में। साथ ही इस फिल्म के रिव्यू, फैक्ट, स्टोरी बताएंगे। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। रंगस्थलम एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की अवधि की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। महात्री मूवी मेकर्स कंपनी के लिए वाई नवीन, वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित फिल्म में रामचरण और सामंथा अक्किनेनी के साथ आदि पिनिसेट्टी, जगतपति बाबू, प्रकाश राज नरेश और अनुसुईया भारद्वाज प्रमुख भूमिका में है। रंगस्थलम 1980 के दशक में नामांकित काल्पनिक गाँव में स्थापित है। यह 2 भाइयों चिट्टी बाबू और कुमार बाबू की कहानी बताती है, जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणीन्द्र भूपति ने नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई। कार्यकारी समय 178 मिनट का। भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई। बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर इसने 216 करोड़ कमाए। साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रंगस्थलम नामक फिल्म का एक कन्नड़ डब संस्करण 12 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इस फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहेंगे तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख पाएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा। कहानी की बात करें कुछ इस प्रकार है। कहानी रंगस्थलम नाम के एक गांव के रहने वाले चिट्टी बाबू आंशिक रूप से बहरे
गुस्सेल खुशमिजाज है। वह अपने दोस्त कोली रंगम्मा के स्वामित्व वाली मोटर का उपयोग करके सिंचाई के खेतों में पानी भरकर जीविकोपार्जन करते हैं, जिसे वह आटा चक्के रूप में संदर्भित करता है। और एक अन्य ग्रामीण महेश द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चिट्टी बाबू अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं और राम लक्ष्मी से प्यार करते हैं। एक किसान जो शुरू में अपनी श्रवण हानि के अनजान थी। रंगस्थलम की स्थानीय सरकार का नेतृत्व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं। परिन भूपति एक प्रभावशाली क्रूर जमींदार जो सहकारी समिति का दुरुपयोग करता है, उच्च ब्याज दर वसूलता है और अवैतनिक ऋण के बहाने किसानों की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है। कुमार बाबू चिट्टी बाबू का भाई जो रोजगार के लिए गांव छोड़ गया था, रंगस्थलम लौटता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि राम लक्ष्मी की भूमि को उनके ऋण का भुगतान करने न करने के कारण समाज द्वारा जब्त कर लिया गया है। वह और कुमार बाबू इस पर समाज का सामना करते हैं, यह दावा करते हुए कि उसकी माँ ने मरने से पहले इसका भुगतान किया था और खातों को बुलाया गया था। चिट्टी बाबू महेश से सीखते हैं कि भूपति के गुर्गे सेनू नायडू के ने कुमार बाबू के कृत्यों के लिए गांव के सामने उनके पिता का अपमान किया था। चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी से नाराज हैं और सेसु नायडू से लड़ते हैं। अगले दिन भूपति ने मदद करने से इनकार कर दिया और कुमार बाबू ने स्थानीय विधायक से संपर्क किया। दक्षिण मूर्ति को चिट्टी बाबू की जमानत की व्यवस्था की। मूर्ति के समर्थन से कुमार बाबू ने रंगस्थलम के अध्यक्ष पद के लिए खुद को नामांकित किया। वे समय के साथ ग्रामीणों से समर्थन प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ वार्ड सदस्य के पद के लिए नामांकित दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रंगम्मा हालांकि चिट्टी बाबू को चेतावनी देती है कि कई लोग जिन्होंने भूपति के खिलाफ चलना चुना उनके पति भी शामिल थे, बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। चिट्टी बाबू को पता चलता है कि भूपति ने उन सभी की हत्या कर दी और होश आता है कि कुमार बाबू खतरे में पड़ सकते हैं। वह भूपति से रिश्वत लेता है और ग्रामीणों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद कुमार बाबू ने नेतृत्व के लिए अपनी होड़ जारी रखी, जिसके कारण चिट्टी बाबू ने अपना विचार बदल दिया और भूपति को पैसे वापस कर दिए। राजमंदिरी में अपनी प्रेमिका पद्मा से मिलने गए कुमार बाबू पर गाँव के बाहरी इलाके में भूपति के समूह ने हमला कर दिया। सबसे पहले चिट्टी बाबू उसे मौत से बचाने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक नकाबपोश आदमी ने अपने पहले से ही घायल भाई का गला काट दिया। भूपति अपनी जान के डर से रंगस्थलम से भाग जाता है और चिट्टी बाबू उसे आसपास के गांव में खोजता रहता है। इस बीच रंगम्मा को सर्वसम्मति से गांव का अध्यक्ष चुना जाता है। बाद के दिनों में एक बिंदु पर चिट्टी बाबू नर्तकियों के एक समूह को उसी नाम के देवता को समर्पित भक्ति भजन में श्री मन्नारायण का पाठ करते हुए देखते हैं। वह याद करते हैं कि कुमार बाबू ने अपनी मृत्यु की रात कुछ कहने का प्रयास किया और महसूस किया कि वह श्री मन्नारायण दोहरा रहे थे। चिट्टी बाबू मदद के लिए दक्षिण मूर्ति से मिलने जाते हैं। हालांकि उसे बहुत देर हो जा चुकी है, क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चिट्टी बाबू अपने गांव लौटे बिना बेहोशी की हालत में दक्षिण मूर्ति के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि मूर्ति ठीक नहीं हो सकते हैं और इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं। चिट्टी बाबू विरोध करते हैं और 2 साल तक दक्षिण मूर्ति की देखभाल करते हैं। एक दिन वह होश में आता है और चिट्टी बाबू उसे अपने घर वापस लाते हैं। इस जोड़ी के साथ राम लक्ष्मी भी है, जो अब चिट्टी बाबू की पत्नी है। जैसा कि वे निजी तौर पर बात करते हैं, मूर्ति भूपति के बारे में पूछती है। चिट्टी बाबू जवाब देते हैं कि उन्होंने रंगस्थलम के बाहरी इलाके में उन्हें पीट पीट कर मार डाला। बाद में चिट्टी बाबू ने खुलासा किया कि कुमार बाबू की श्रीमन्नारायण के मरने वाले मंत्र के बाद मूर्ति ने अपने भाई की मौत के आयोजन के बारे में सीखा। निचली जाति से होने के बावजूद कुमार बाबू मूर्ति की बेटी पद्मा के साथ रिश्ते में थे। दक्षिणा ने इसका विरोध करते हुए उसे बाबू को मरवा डालने के लिए प्रेरित किया। चिट्टी बाबू ने 2 साल तक मूर्ति के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया, ताकि वह मौत की पूरी पीड़ा का अनुभव कर सके। चिट्टी बाबू तब मूर्ति की हत्या कर देता है और राम लक्ष्मी के साथ इमारत छोड़ देता है, क्योंकि पद्मा अपने पति के साथ आती है। तो कहानी काफी अच्छी, आप लोग देखिएगा मूवी को। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे मूवी रंगस्थलम, आप लोग कैसे और कहाँ से देख पाएंगे वो भी फ्री में। साथ ही इस फिल्म के रिव्यू फैक्ट स्टोरी बताएंगे।
दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। रंगस्थलम एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की अवधि की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। महात्री मूवी मेकर्स कंपनी के लिए वाई नवीन वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित फिल्म में रामचरण और सामंथा अक्किनेनी के साथ आदि पिनिसेट्टी, जगतपति बाबू, प्रकाश राज, नरेश और अनुसुईया भारद्वाज प्रमुख भूमिका में है। रंगस्थलम 1980 के दशक में नामांकित काल्पनिक गाँव में स्थापित है। यह दो भाइयों चिट्टी बाबू और कुमार बाबू की कहानी बताती है जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणीन्द्र भूपति ने नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई। कार्यकारी समय 178 मिनट का। भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई। बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर इसने 216 करोड़ कमाए। साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रंगस्थलम नामक फिल्म का एक कन्नड़ डब संस्करण 12 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इस फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म को आईएमडीबी द्वारा 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहेंगे तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख पाएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा। कहानी की बात करें कुछ इस प्रकार है। कहानी रंगस्थलम नाम के एक गाँव के रहने वाले चिट्टी बाबू आंशिक रूप से बहरे गुस्सेल खुश मिजाज हैं। वह अपने दोस्त कोली रंगम्मा के स्वामित्व वाली मोटर का उपयोग करके सिंचाई के खेतों में पानी भरकर जीविकोपार्जन करते हैं, जिसे वह आटा चके रूप में संदर्भित करता है। और एक अन्य ग्रामीण महेश द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चिट्टी बाबू अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं और राम लक्ष्मी से प्यार करते हैं, एक किसान जो शुरू में अपनी श्रवण हानि के अनजान। रंगस्थलम की स्थानीय सरकार का नेतृत्व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं। फणीन्द्र भूपति एक प्रभावशाली क्रूर जमींदार जो सहकारी समिति का दुरुपयोग करता है, उच्च ब्याज दर वसूलता है और अवैतनिक ऋण के बहाने किसानों की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है। कुमार बाबू चिट्टी बाबू का भाई जो रोजगार के लिए गांव छोड़ गया था, रंगस्थलम लौटता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि राम लक्ष्मी की भूमि को उनके ऋण का भुगतान करने न करने के कारण समाज द्वारा जब्त कर लिया गया है। वह और कुमार बाबू इस पर समाज का सामना करते हैं, यह दावा करते हुए कि उसकी माँ ने मरने से पहले इसका भुगतान किया था और खातों को फुलाया गया था। चिट्टी बाबू महेश से सीखते हैं कि भूपति के गुर्गे सेनू डूके ने कुमार बाबू के कृत्यों के लिए गांव के सामने उनके पिता का अपमान किया था। चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी से नाराज हैं और सेसू नायडू से लड़ते हैं। अगले दिन भूपति ने मदद करने से इनकार कर दिया और कुमार बाबू ने स्थानीय विधायक से संपर्क किया। दक्षिण मूर्ति को चिट्टी बाबू की जमानत की व्यवस्था की। मूर्ति के समर्थन से कुमार बाबू ने रंगस्थलम के अध्यक्ष पद के लिए खुद को नामांकित किया। वे समय के साथ ग्रामीणों से समर्थन प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ वार्ड सदस्य के पद के लिए नामांकित दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रंगम्मा हालांकि चिट्टी बाबू को चेतावनी देती है कि कई लोग जिन्होंने भूपति के खिलाफ चलना चुना, उनके पति भी शामिल थे, बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। चिट्टी बाबू को पता चलता है कि भूपति ने उन सभी की हत्या कर दी और होश आता है कि कुमार बाबू खतरे में पड़ सकते हैं। वह भूपति से रिश्वत लेता है और ग्रामीणों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद कुमार बाबू ने नेतृत्व के लिए अपनी होड़ जारी रखी, जिसके कारण चिट्टी बाबू ने अपना विचार बदल दिया और भूपति को पैसे वापस कर दिए। राजमंदिरी में अपनी प्रेमिका पद्मा से मिलने गए कुमार बाबू पर गांव के बाहरी इलाके में भूपति के समूह ने हमला कर दिया। सबसे पहले चिट्टी बाबू उसे मौत से बचाने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक नकाबपोश आदमी ने अपने पहले से ही घायल भाई का गला काट दिया। भूपति अपनी जान के डर से रंगस्थलम से भाग जाता है और चिट्टी बाबू उसे आसपास के गांव में खोजता रहता है। इस बीच रंगम्मा को सर्वसम्मति से गांव का अध्यक्ष चुना जाता है। बाद के दिनों में एक बिंदु पर चिट्टी बाबू नर्तकियों के एक समूह को उसी नाम के देवता को समर्पित भक्ति भजन में श्री मन्नारायण का पाठ करते हुए देखते हैं। वह याद करते हैं कि कुमार बाबू ने अपनी मृत्यु की रात कुछ कहने का प्रयास किया और महसूस किया कि वह श्री मन्नारायण द्वारा
रहे थे। चिट्टी बाबू मदद के लिए दक्षिण मूर्ति से मिलने जाते हैं, हालांकि उसे बहुत देर हो जा चुकी है क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चिट्टी बाबू अपने गांव लौटे बिना बेहोशी की हालत में दक्षिण मूर्ति के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि मूर्ति ठीक नहीं हो सकते हैं और इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं। चिट्टी बाबू विरोध करते हैं और 2 साल तक दक्षिणा मूर्ति की देखभाल करते हैं। एक दिन वह होश में आता है और चिट्टी बाबू उसे अपने घर वापस लाते हैं। इस जोड़ी के साथ राम लक्ष्मी भी है जो अब चिट्टी बाबू की पत्नी है। जैसा कि वे निजी तौर पर बात करते हैं, मूर्ति भूपति के बारे में पूछती है। चिट्टी बाबू जवाब देते हैं कि उन्होंने रंगस्थलम के बाहरी इलाके में उन्हें पीट पीट कर मार डाला। बाद में चिट्टी बाबू ने खुलासा किया कि कुमार बाबू की श्रीमन्नारायण के मरने वाले मंत्र के बाद मूर्ति ने अपने भाई की मौत के आयोजन के बारे में सीखा। निचली जाति से होने के बावजूद कुमार बाबू मूर्ति की बेटी पद्मा के साथ रिश्ते में थे। दक्षिणा ने इसका विरोध करते हुए उसे बाबू को मरवा डालने के लिए प्रेरित किया। चिट्टी बाबू ने 2 साल तक मूर्ति के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया ताकि वह मौत की पूरी पीड़ा का अनुभव कर सके। चिट्टी बाबू तब मूर्ति की हत्या कर देता है और राम लक्ष्मी के साथ इमारत छोड़ देता है क्योंकि पद्मा अपने पति के साथ आती है। तो कहानी काफी अच्छी, आप लोग देखिएगा मूवी को। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करेंगे मूवी रंगस्थलम, आप लोग कैसे और कहां से देख पाएंगे वो भी फ्री में। साथ ही इस फिल्म के रिव्यू, फैक्ट, स्टोरी बताएंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। रंगस्थलम एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की अवधि की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। महात्री मूवी मेकर्स कंपनी के लिए वाई नवीन वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित फिल्म में रामचरण और सामंथा अक्किनेनी के साथ आदि पिनिसेट्टी, जगतपति बाबू, प्रकाश राज नरेश और अनुसुईया भारद्वाज प्रमुख भूमिका में है। रंगस्थलम 1980 के दशक में नामांकित काल्पनिक गांव में स्थापित है। यह 2 भाइयों चिट्टी बाबू और कुमार बाबू की कहानी बताती है जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणीन्द्र भूपति ने नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई। कार्यकारी समय 178 मिनट का। भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई। बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर इसने 216 करोड़ कमाए। साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रंगस्थलम नामक फिल्म का एक कन्नड़ डब संस्करण 12 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इस फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहेंगे तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप लोग डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देख पाएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा। कहानी की बात करें कुछ इस प्रकार है। कहानी रंगस्थलम नाम के एक गाँव के रहने वाले चिट्टी बाबू आंशिक रूप से बहरे गुस्सेल खुश मिजाज हैं। वह अपने दोस्त कोली रंगम्मा के स्वामित्व वाली मोटर का उपयोग करके सिंचाई के खेतों में पानी भरकर जीविकोपार्जन करते हैं, जिसे वह आटा चक्के रूप में संदर्भित करता है। और एक अन्य ग्रामीण महेश द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चिट्टी बाबू अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं और राम लक्ष्मी से प्यार करते हैं, एक किसान जो शुरू में अपनी श्रवण हानि के अनजान। रंगस्थलम की स्थानीय सरकार का नेतृत्व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं। परिन भूपति एक प्रभावशाली क्रूर जमींदार जो सहकारी समिति का दुरुपयोग करता है, उच्च ब्याज दर वसूलता है और अवैतनिक ऋण के बहाने किसानों की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है। कुमार बाबू चिट्टी बाबू का भाई जो रोजगार के लिए गांव छोड़ गया था, रंगस्थलम लौटता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि राम लक्ष्मी की भूमि को उनके ऋण का भुगतान करने न करने के कारण समाज द्वारा जब्त कर लिया गया है। वह और कुमार बाबू इस पर समाज का सामना करते हैं, यह दावा करते हुए कि उसकी माँ ने मरने से पहले इसका भुगतान किया था और खातों को फुलाया गया था। चिट्टी बाबू महेश से सीखते हैं कि भूपति के गुर्गे सेनू
नायडू के ने कुमार बाबू के कृत्यों के लिए गांव के सामने उनके पिता का अपमान किया था। चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी से नाराज हैं और सेसु नायडू से लड़ते हैं। अगले दिन भूपति ने मदद करने से इनकार कर दिया और कुमार बाबू ने स्थानीय विधायक से संपर्क किया। दक्षिण मूर्ति को चिट्टी बाबू की जमानत की व्यवस्था की। मूर्ति के समर्थन से कुमार बाबू ने रंगस्थलम के अध्यक्ष पद के लिए खुद को नामांकित किया। वे समय के साथ ग्रामीणों से समर्थन प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ वार्ड सदस्य के पद के लिए नामांकित दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रंगम्मा हालांकि चिट्टी बाबू को चेतावनी देती है कि कई लोग जिन्होंने भूपति के खिलाफ चलना चुना उनके पति भी शामिल थे। बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। चिट्टी बाबू को पता चलता है कि भूपति ने उन सभी की हत्या कर दी और होश आता है कि कुमार बाबू खतरे में पड़ सकते हैं। वह भूपति से रिश्वत लेता है और ग्रामीणों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद कुमार बाबू ने नेतृत्व के लिए अपनी होड़ जारी रखी, जिसके कारण चिट्टी बाबू ने अपना विचार बदल दिया और भूपति को पैसे वापस कर दिए। राजमंदिरी में अपनी प्रेमिका पद्मा से मिलने गए कुमार बाबू पर गाँव के बाहरी इलाके में भूपति के समूह ने हमला कर दिया। सबसे पहले चिट्टी बाबू उसे मौत से बचाने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक नकाबपोश आदमी ने अपने पहले से ही घायल भाई का गला काट दिया। भूपति अपनी जान के डर से रंगस्थलम से भाग जाता है और चिट्टी बाबू उसे आसपास के गांव में खोजता रहता है। इस बीच रंगम्मा को सर्वसम्मति से गांव का अध्यक्ष चुना जाता है। बाद के दिनों में एक बिंदु पर चिट्टी बाबू नर्तकियों के एक समूह को उसी नाम के देवता को समर्पित भक्ति भजन में श्री मन्नारायण का पाठ करते हुए देखते हैं। वह याद करते हैं कि कुमार बाबू ने अपनी मृत्यु की रात कुछ कहने का प्रयास किया और महसूस किया कि वह श्री मन्नारायण दोहरा रहे थे। चिट्टी बाबू मदद के लिए दक्षिण मूर्ति से मिलने जाते हैं। हालांकि उसे बहुत देर हो जा चुकी है, क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चिट्टी बाबू अपने गांव लौटे बिना बेहोशी की हालत में दक्षिण मूर्ति के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि मूर्ति ठीक नहीं हो सकते हैं और इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं। चिट्टी बाबू विरोध करते हैं और 2 साल तक दक्षिणा मूर्ति की देखभाल करते हैं। एक दिन वह होश में आता है और चिट्टी बाबू उसे अपने घर वापस लाते हैं। इस जोड़ी के साथ राम लक्ष्मी भी है, जो अब चिट्टी बाबू की पत्नी है। जैसा कि वे निजी तौर पर बात करते हैं, मूर्ति भूपति के बारे में पूछती है। चिट्टी बाबू जवाब देते हैं कि उन्होंने रंगस्थलम के बाहरी इलाके में उन्हें पीट पीट कर मार डाला। बाद में चिट्टी बाबू ने खुलासा किया कि कुमार बाबू की श्रीमन्नारायण के मरने वाले मंत्र के बाद मूर्ति ने अपने भाई की मौत के आयोजन के बारे में सीखा। निचली जाति से होने के बावजूद कुमार बाबू मूर्ति की बेटी पद्मा के साथ रिश्ते में थे। दक्षिणा ने इसका विरोध करते हुए उसे बाबू को मरवा डालने के लिए प्रेरित किया। चिट्टी बाबू ने 2 साल तक मूर्ति के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया, ताकि वह मौत की पूरी पीड़ा का अनुभव कर सके। चिट्टी बाबू तब मूर्ति की हत्या कर देता है और राम लक्ष्मी के साथ इमारत छोड़ देता है, क्योंकि पद्मा अपने पति के साथ आती है। तो कहानी काफी अच्छी, आप लोग देखिएगा मूवी को। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम बात करेंगे मूवी रंगस्थलम, आप लोग कैसे और कहाँ से देख पाएंगे, वो भी फ्री में। साथ ही इस फिल्म के रिव्यू, फैक्ट, स्टोरी बताएंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। रंगस्थलम एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की अवधि की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। महात्री मूवी मेकर्स कंपनी के लिए वाई नवीन, वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित फिल्म में रामचरण और सामंथा अक्किनेनी के साथ आदि पिनिसेट्टी, जगतपति बाबू, प्रकाश राज नरेश और अनुसुईया भारद्वाज प्रमुख भूमिका में है। रंगस्थलम 1980 के दशक में नामांकित काल्पनिक गाँव में स्थापित है। यह 2 भाइयों चिट्टी बाबू और कुमार बाबू की कहानी बताती है, जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणीन्द्र भूपति ने नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई। कार्यकारी समय 178 मिनट का। भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई। बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर इसने 216 करोड़ कमाए। साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए
लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रंगस्थलम नामक फिल्म का एक कन्नड़ डब संस्करण 12 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इस फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहेंगे तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख पाएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा। कहानी की बात करें कुछ इस प्रकार है। कहानी रंगस्थलम नाम के एक गांव के रहने वाले चिट्टी बाबू आंशिक रूप से बहरे गुस्सैल खुश मिजाज है। वह अपने दोस्त कोली रंगम्मा के स्वामित्व वाली मोटर का उपयोग करके सिंचाई के खेतों में पानी भरकर जीविकोपार्जन करते हैं, जिसे वह आटा चक्के रूप में संदर्भित करता है। और एक अन्य ग्रामीण महेश द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चिट्टी बाबू अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं और राम लक्ष्मी से प्यार करते हैं, एक किसान जो शुरू में अपनी श्रवण हानि के अनजान थी। रंगस्थलम की स्थानीय सरकार का नेतृत्व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं। परिन भूपति एक प्रभावशाली क्रूर जमींदार जो सहकारी समिति का दुरुपयोग करता है, उच्च ब्याज दर वसूलता है और अवैतनिक ऋण के बहाने किसानों की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है। कुमार बाबू चिट्टी बाबू का भाई जो रोजगार के लिए गांव छोड़ गया था, रंगस्थलम लौटता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि राम लक्ष्मी की भूमि को उनके ऋण का भुगतान करने न करने के कारण समाज द्वारा जब्त कर लिया गया है। वह और कुमार बाबू इस पर समाज का सामना करते हैं, यह दावा करते हुए कि उसकी माँ ने मरने से पहले इसका भुगतान किया था और खातों को फुलाया गया था। चिट्टी बाबू महेश से सीखते हैं कि भूपति के गुर्गे सेनू नायडू के ने कुमार बाबू के कृत्यों के लिए गांव के सामने उनके पिता का अपमान किया था। चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी से नाराज हैं और सेसु नायडू से लड़ते हैं। अगले दिन भूपति ने मदद करने से इनकार कर दिया और कुमार बाबू ने स्थानीय विधायक से संपर्क किया, दक्षिण मूर्ति को चिट्टी बाबू की जमानत की व्यवस्था की। मूर्ति के समर्थन से कुमार बाबू ने रंगस्थलम के अध्यक्ष पद के लिए खुद को नामांकित किया। वे समय के साथ ग्रामीणों से समर्थन प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ वार्ड सदस्य के पद के लिए नामांकित दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रंगम्मा हालांकि चिट्टी बाबू को चेतावनी देती है कि कई लोग जिन्होंने भूपति के खिलाफ चलना चुना उनके पति भी शामिल थे, बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। चिट्टी बाबू को पता चलता है कि भूपति ने उन सभी की हत्या कर दी और होश आता है कि कुमार बाबू खतरे में पड़ सकते हैं। वह भूपति से रिश्वत लेता है और ग्रामीणों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद कुमार बाबू ने नेतृत्व के लिए अपनी होड़ जारी रखी, जिसके कारण चिट्टी बाबू ने अपना विचार बदल दिया और भूपति को पैसे वापस कर दिए। राजमंदिरी में अपनी प्रेमिका पद्मा से मिलने गए कुमार बाबू पर गाँव के बाहरी इलाके में भूपति के समूह ने हमला कर दिया। सबसे पहले चिट्टी बाबू उसे मौत से बचाने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक नकाबपोश आदमी ने अपने पहले से ही घायल भाई का गला काट दिया। भूपति अपनी जान के डर से रंगस्थलम से भाग जाता है और चिट्टी बाबू उसे आसपास के गांव में खोजता रहता है। इस बीच रंगम्मा को सर्वसम्मति से गांव का अध्यक्ष चुना जाता है। बाद के दिनों में एक बिंदु पर चिट्टी बाबू नर्तकियों के एक समूह को उसी नाम के देवता को समर्पित भक्ति भजन में श्री मन्नारायण का पाठ करते हुए देखते हैं। वह याद करते हैं कि कुमार बाबू ने अपनी मृत्यु की रात कुछ कहने का प्रयास किया और महसूस किया कि वह श्री मन्नारायण दोहरा रहे थे। चिट्टी बाबू मदद के लिए दक्षिण मूर्ति से मिलने जाते हैं, हालांकि उसे बहुत देर हो जा चुकी है क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चिट्टी बाबू अपने गांव लौटे बिना बेहोशी की हालत में दक्षिण मूर्ति के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि मूर्ति ठीक नहीं हो सकते हैं और इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं। चिट्टी बाबू विरोध करते हैं और 2 साल तक दक्षिण मूर्ति की देखभाल करते हैं। एक दिन वह होश में आता है और चिट्टी बाबू उसे अपने घर वापस लाते हैं। इस जोड़ी के साथ राम लक्ष्मी भी है, जो अब चिट्टी बाबू की पत्नी है। जैसा कि वे निजी तौर पर बात करते हैं, मूर्ति भूपति के बारे में पूछती है। चिट्टी बाबू जवाब देते हैं कि उन्होंने रंगस्थलम के बाहरी इलाके में उन्हें पीट पीट कर मार डाला। बाद में चिट्टी बाबू ने खुलासा किया कि कुमार बाबू की श्रीमन्नारायण के मरने वाले मंत्र के बाद मूर्ति ने अपने भाई की मौत के आयोजन के बारे में सीखा। निचली जाति से होने
होने के बावजूद कुमार बाबू मूर्ति की बेटी पद्मा के साथ रिश्ते में थे। दक्षिणा ने इसका विरोध करते हुए उसे बाबू को मरवा डालने के लिए प्रेरित किया। चिट्टी बाबू ने 2 साल तक मूर्ति के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया ताकि वह मौत की पूरी पीड़ा का अनुभव कर सके। चित्ती बाबू तब मूर्ति की हत्या कर देता है और राम लक्ष्मी के साथ इमारत छोड़ देता है क्योंकि पद्मा अपने पति के साथ आती है। तो कहानी काफी अच्छी, आप लोग देखिएगा मूवी को। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम बात करेंगे मूवी रंगस्थलम, आप लोग कैसे और कहाँ से देख पाएंगे वो भी फ्री में। साथ ही इस फिल्म के रिव्यू, फैक्ट, स्टोरी बताएंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। रंगस्थलम एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की अवधि की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। महात्री मूवी मेकर्स कंपनी के लिए वाई नवीन, वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित फिल्म में रामचरण और सामंथा अक्किनेनी के साथ आदि पिनिसेट्टी, जगतपति बाबू, प्रकाश राज, नरेश और अनुसुईया भारद्वाज प्रमुख भूमिका में है। रंगस्थलम 1980 के दशक में नामांकित काल्पनिक गाँव में स्थापित है। यह दो भाइयों चिट्टी बाबू और कुमार बाबू की कहानी बताती है जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणीन्द्र भूपति ने नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई। कार्यकारी समय 178 मिनट का। भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई। बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर इसने 216 करोड़ कमाए। साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रंगस्थलम नामक फिल्म का एक कन्नड़ डब संस्करण 12 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इस फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्म में से एक माना जाता है। फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहेंगे तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख पाएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा। कहानी की बात करें कुछ इस प्रकार है। कहानी रंगस्थलम नाम के एक गाँव के रहने वाले चिट्टी बाबू आंशिक रूप से बहरे गुस्सैल खुश मिजाज हैं। वह अपने दोस्त कोली रंगम्मा के स्वामित्व वाली मोटर का उपयोग करके सिंचाई के खेतों में पानी भरकर जीविकोपार्जन करते हैं, जिसे वह आटा चके रूप में संदर्भित करता है। और एक अन्य ग्रामीण महेश द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चिट्टी बाबू अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं और राम लक्ष्मी से प्यार करते हैं, एक किसान जो शुरू में अपनी श्रवण हानि के अनजान थी। रंगस्थलम की स्थानीय सरकार का नेतृत्व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं परिन भूपति, एक प्रभावशाली क्रूर जमींदार जो सहकारी समिति का दुरुपयोग करता है, उच्च ब्याज दर वसूलता है और अवैतनिक ऋण के बहाने किसानों की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है। कुमार बाबू चिट्टी बाबू का भाई जो रोजगार के लिए गांव छोड़ गया था, रंगस्थलम लौटता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि राम लक्ष्मी की भूमि को उनके ऋण का भुगतान करने न करने के कारण समाज द्वारा जब्त कर लिया गया है। वह और कुमार बाबू इस पर समाज का सामना करते हैं, यह दावा करते हुए कि उसकी माँ ने मरने से पहले इसका भुगतान किया था और खातों को फुलाया गया था। चिट्टी बाबू महेश से सीखते हैं कि भूपति के गुर्गे सेनू डूके ने कुमार बाबू के कृत्यों के लिए गांव के सामने उनके पिता का अपमान किया था। चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी से नाराज हैं और सेसु नायडू से लड़ते हैं। अगले दिन भूपति ने मदद करने से इनकार कर दिया और कुमार बाबू ने स्थानीय विधायक से संपर्क किया। दक्षिण मूर्ति को चिट्टी बाबू की जमानत की व्यवस्था की। मूर्ति के समर्थन से कुमार बाबू ने रंगस्थलम के अध्यक्ष पद के लिए खुद को नामांकित किया। वे समय के साथ ग्रामीणों से समर्थन प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ वार्ड सदस्य के पद के लिए नामांकित दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रंगम्मा हालांकि चिट्टी बाबू को चेतावनी देती है कि कई लोग जिन्होंने भूपति के खिलाफ चलना चुना उनके पति भी शामिल थे, बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। चिट्टी बाबू को पता चलता है कि भूपति ने उन सभी की हत्या कर दी और होश आता है कि कुमार बाबू खतरे में पड़ सकते हैं। वह भूपति से रिश्वत लेता है और ग्रामीणों को अपना
नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद कुमार बाबू ने नेतृत्व के लिए अपनी होड़ जारी रखी, जिसके कारण चिट्टी बाबू ने अपना विचार बदल दिया और भूपति को पैसे वापस कर दिए। राजमंदिरी में अपनी प्रेमिका पद्मा से मिलने गए कुमार बाबू पर गाँव के बाहरी इलाके में भूपति के समूह ने हमला कर दिया। सबसे पहले चिट्टी बाबू उसे मौत से बचाने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक नकाबपोश आदमी ने अपने पहले से ही घायल भाई का गला काट दिया। भूपति अपनी जान के डर से रंगस्थलम से भाग जाता है और चिट्टी बाबू उसे आसपास के गांव में खोजता रहता है। इस बीच रंगम्मा को सर्वसम्मति से गांव का अध्यक्ष चुना जाता है। बाद के दिनों में एक बिंदु पर चिट्टी बाबू नर्तकियों के एक समूह को उसी नाम के देवता को समर्पित भक्ति भजन में श्री मन्नारायण का पाठ करते हुए देखते हैं। वह याद करते हैं कि कुमार बाबू ने अपनी मृत्यु की रात कुछ कहने का प्रयास किया और महसूस किया कि वह श्री मन्नारायण दोहरा रहे थे। चिट्टी बाबू मदद के लिए दक्षिण मूर्ति से मिलने जाते हैं, हालांकि उसे बहुत देर हो जा चुकी है क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चिट्टी बाबू अपने गांव लौटे बिना बेहोशी की हालत में दक्षिण मूर्ति के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि मूर्ति ठीक नहीं हो सकते हैं और इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं। चिट्टी बाबू विरोध करते हैं और 2 साल तक दक्षिणा मूर्ति की देखभाल करते हैं। एक दिन वह होश में आता है और चिट्टी बाबू उसे अपने घर वापस लाते हैं। इस जोड़ी के साथ राम लक्ष्मी भी है, जो अब चिट्टी बाबू की पत्नी है। जैसा कि वे निजी तौर पर बात करते हैं, मूर्ति भूपति के बारे में पूछती है। चिट्टी बाबू जवाब देते हैं कि उन्होंने रंगस्थलम के बाहरी इलाके में उन्हें पीट पीट कर मार डाला। बाद में चिट्टी बाबू ने खुलासा किया कि कुमार बाबू की श्रीमन्नारायण के मरने वाले मंत्र के बाद मूर्ति ने अपने भाई की मौत के आयोजन के बारे में सीखा। निचली जाति से होने के बावजूद कुमार बाबू मूर्ति की बेटी पद्मा के साथ रिश्ते में थे। दक्षिणा ने इसका विरोध करते हुए उसे बाबू को मरवा डालने के लिए प्रेरित किया। चिट्टी बाबू ने 2 साल तक मूर्ति के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया ताकि वह मौत की पूरी पीड़ा का अनुभव कर सके। चिट्टी बाबू तब मूर्ति की हत्या कर देता है और राम लक्ष्मी के साथ इमारत छोड़ देता है, क्योंकि पद्मा अपने पति के साथ आती है। तो कहानी काफी अच्छी, आप लोग देखिएगा मूवी को। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम बात करेंगे मूवी रंगस्थलम, आप लोग कैसे और कहां से देख पाएंगे, वो भी फ्री में। साथ ही इस फिल्म के रिव्यू, फैक्ट, स्टोरी बताएंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। रंगस्थलम एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की अवधि की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। महात्री मूवी मेकर्स कंपनी के लिए वाई नवीन वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित फिल्म में रामचरण और सामंथा अक्किनेनी के साथ आदि पिनिसेट्टी, जगतपति बाबू, प्रकाश राज नरेश और अनुसुईया भारद्वाज प्रमुख भूमिका में है। रंगस्थलम 1980 के दशक में नामांकित काल्पनिक गांव में स्थापित है। यह 2 भाइयों चिट्टी बाबू और कुमार बाबू की कहानी बताती है, जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणीन्द्र भूपति ने नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई। कार्यकारी समय 178 मिनट का। भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई। बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर इसने 216 करोड़ कमाए। साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रंगस्थलम नामक फिल्म का एक कन्नड़ डब संस्करण 12 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इस फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहेंगे तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप लोग डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देख पाएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा। कहानी की बात करें कुछ इस प्रकार है। कहानी रंगस्थलम नाम के एक गाँव के रहने वाले चिट्टी बाबू आंशिक रूप से बहरे गुस्सेल खुश मिजाज हैं। वह अपने दोस्त कोली रंगम्मा के स्वामित्व वाली मोटर का उपयोग करके सिंचाई के खेतों में पानी भरकर जीविकोपार्जन करते हैं, जिसे वह आटा चक्के रूप में संदर्भित करता है। और एक अन्य ग्रामीण महेश द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चिट्टी बाबू अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं और राम लक्ष्मी से प्यार करते हैं। एक किसान जो शुरू में अपनी श्रवण हानि के अनजान
रही। रंगस्थलम की स्थानीय सरकार का नेतृत्व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं। परिन भूपति एक प्रभावशाली क्रूर जमींदार जो सहकारी समिति का दुरुपयोग करता है, उच्च ब्याज दर वसूलता है और अवैतनिक ऋण के बहाने किसानों की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है। कुमार बाबू चिट्टी बाबू का भाई जो रोजगार के लिए गांव छोड़ गया था, रंगस्थलम लौटता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि राम लक्ष्मी की भूमि को उनके ऋण का भुगतान करने न करने के कारण समाज द्वारा जब्त कर लिया गया है। वह और कुमार बाबू इस पर समाज का सामना करते हैं, यह दावा करते हुए कि उसकी माँ ने मरने से पहले इसका भुगतान किया था और खातों को फुलाया गया था। चिट्टी बाबू महेश से सीखते हैं कि भूपति के गुर्गे सेनू नायडू के ने कुमार बाबू के कृत्यों के लिए गांव के सामने उनके पिता का अपमान किया था। चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी से नाराज हैं और सेसु नायडू से लड़ते हैं। अगले दिन भूपति ने मदद करने से इनकार कर दिया और कुमार बाबू ने स्थानीय विधायक से संपर्क किया। दक्षिण मूर्ति को चिट्टी बाबू की जमानत की व्यवस्था की। मूर्ति के समर्थन से कुमार बाबू ने रंगस्थलम के अध्यक्ष पद के लिए खुद को नामांकित किया। वे समय के साथ ग्रामीणों से समर्थन प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ वार्ड सदस्य के पद के लिए नामांकित दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रंगम्मा हालांकि चिट्टी बाबू को चेतावनी देती है कि कई लोग जिन्होंने भूपति के खिलाफ चलना चुना उनके पति भी शामिल थे, बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। चिट्टी बाबू को पता चलता है कि भूपति ने उन सभी की हत्या कर दी और होश आता है कि कुमार बाबू खतरे में पड़ सकते हैं। वह भूपति से रिश्वत लेता है और ग्रामीणों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद कुमार बाबू ने नेतृत्व के लिए अपनी होड़ जारी रखी, जिसके कारण चिट्टी बाबू ने अपना विचार बदल दिया और भूपति को पैसे वापस कर दिए। राजमंदिरी में अपनी प्रेमिका पद्मा से मिलने गए कुमार बाबू पर गाँव के बाहरी इलाके में भूपति के समूह ने हमला कर दिया। सबसे पहले चिट्टी बाबू उसे मौत से बचाने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक नकाबपोश आदमी ने अपने पहले से ही घायल भाई का गला काट दिया। भूपति अपनी जान के डर से रंगस्थलम से भाग जाता है और चिट्टी बाबू उसे आसपास के गांव में खोजता रहता है। इस बीच रंगम्मा को सर्वसम्मति से गांव का अध्यक्ष चुना जाता है। बाद के दिनों में एक बिंदु पर चिट्टी बाबू नर्तकियों के एक समूह को उसी नाम के देवता को समर्पित भक्ति भजन में श्री मन्नारायण का पाठ करते हुए देखते हैं। वह याद करते हैं कि कुमार बाबू ने अपनी मृत्यु की रात कुछ कहने का प्रयास किया और महसूस किया कि वह श्री मन्नारायण दोहरा रहे थे। चिट्टी बाबू मदद के लिए दक्षिण मूर्ति से मिलने जाते हैं, हालांकि उसे बहुत देर हो जा चुकी है क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चिट्टी बाबू अपने गांव लौटे बिना बेहोशी की हालत में दक्षिण मूर्ति के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि मूर्ति ठीक नहीं हो सकते हैं और इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं। चिट्टी बाबू विरोध करते हैं और 2 साल तक दक्षिणा मूर्ति की देखभाल करते हैं। एक दिन वह होश में आता है और चिट्टी बाबू उसे अपने घर वापस लाते हैं। इस जोड़ी के साथ राम लक्ष्मी भी है जो अब चिट्टी बाबू की पत्नी है। जैसा कि वे निजी तौर पर बात करते हैं, मूर्ति भूपति के बारे में पूछती है। चिट्टी बाबू जवाब देते हैं कि उन्होंने रंगस्थलम के बाहरी इलाके में उन्हें पीट पीट कर मार डाला। बाद में चिट्टी बाबू ने खुलासा किया कि कुमार बाबू की श्रीमन्नारायण के मरने वाले मंत्र के बाद मूर्ति ने अपने भाई की मौत के आयोजन के बारे में सीखा। निचली जाति से होने के बावजूद कुमार बाबू मूर्ति की बेटी पद्मा के साथ रिश्ते में थे। दक्षिणा ने इसका विरोध करते हुए उसे बाबू को मरवा डालने के लिए प्रेरित किया। चिट्टी बाबू ने 2 साल तक मूर्ति के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया ताकि वह मौत की पूरी पीड़ा का अनुभव कर सके। चिट्टी बाबू तब मूर्ति की हत्या कर देता है और राम लक्ष्मी के साथ इमारत छोड़ देता है क्योंकि पद्मा अपने पति के साथ आती है। तो कहानी काफी अच्छी, आप लोग देखिएगा मूवी को। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम बात करेंगे मूवी रंगस्थलम, आप लोग कैसे और कहाँ से देख पाएंगे वो भी फ्री में। साथ ही इस फिल्म के रिव्यू फैक्ट स्टोरी बताएंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। रंगस्थलम एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की अवधि की
एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। महात्री मूवी मेकर्स कंपनी के लिए वाई नवीन वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित फिल्म में रामचरण और सामंथा अक्किनेनी के साथ आदि पिनिसेट्टी, जगतपति बाबू, प्रकाश राज नरेश और अनुसुईया भारद्वाज प्रमुख भूमिका में हैं। रंगस्थलम 1980 के दशक में नामांकित काल्पनिक गांव में स्थापित है। यह दो भाइयों चिट्टी बाबू और कुमार बाबू की कहानी बताती है जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणीन्द्र भूपति ने नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई। कार्यकारी समय 178 मिनट का। भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई। बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर इसने 216 करोड़ कमाए। साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रंगस्थलम नामक फिल्म का एक कन्नड़ डब संस्करण 12 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इस फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहेंगे तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख पाएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा। कहानी की बात करें कुछ इस प्रकार है। कहानी रंगस्थलम नाम के एक गाँव के रहने वाले चिट्टी बाबू आंशिक रूप से बहरे गुस्सैल खुश मिजाज है। वह अपने दोस्त कोली रंगम्मा के स्वामित्व वाली मोटर का उपयोग करके सिंचाई के खेतों में पानी भरकर जीविकोपार्जन करते हैं, जिसे वह आटा चक्के रूप में संदर्भित करता है। और एक अन्य ग्रामीण महेश द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चिट्टी बाबू अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं और राम लक्ष्मी से प्यार करते हैं, एक किसान जो शुरू में अपनी श्रवण हानि के अनजान। रंगस्थलम की स्थानीय सरकार का नेतृत्व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं। फणीन्द्र भूपति एक प्रभावशाली क्रूर जमींदार जो सहकारी समिति का दुरुपयोग करता है, उच्च ब्याज दर वसूलता है और अवैतनिक ऋण के बहाने किसानों की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है। कुमार बाबू चिट्टी बाबू का भाई जो रोजगार के लिए गांव छोड़ गया था, रंगस्थलम लौटता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि राम लक्ष्मी की भूमि को उनके ऋण का भुगतान करने न करने के कारण समाज द्वारा जब्त कर लिया गया है। वह और कुमार बाबू इस पर समाज का सामना करते हैं, यह दावा करते हुए कि उसकी माँ ने मरने से पहले इसका भुगतान किया था और खातों को फुलाया गया था। चिट्टी बाबू महेश से सीखते हैं कि भूपति के गुर्गे सेनू नायडू के ने कुमार बाबू के कृत्यों के लिए गांव के सामने उनके पिता का अपमान किया था। चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी से नाराज हैं और सेसु नायडू से लड़ते हैं। अगले दिन भूपति ने मदद करने से इनकार कर दिया और कुमार बाबू ने स्थानीय विधायक से संपर्क किया। दक्षिण मूर्ति को चिट्टी बाबू की जमानत की व्यवस्था की। मूर्ति के समर्थन से कुमार बाबू ने रंगस्थलम के अध्यक्ष पद के लिए खुद को नामांकित किया। वे समय के साथ ग्रामीणों से समर्थन प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ वार्ड सदस्य के पद के लिए नामांकित दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रंगम्मा हालांकि चिट्टी बाबू को चेतावनी देती है कि कई लोग जिन्होंने भूपति के खिलाफ चलना चुना उनके पति भी शामिल थे, बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। चिट्टी बाबू को पता चलता है कि भूपति ने उन सभी की हत्या कर दी और होश आता है कि कुमार बाबू खतरे में पड़ सकते हैं। वह भूपति से रिश्वत लेता है और ग्रामीणों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद कुमार बाबू ने नेतृत्व के लिए अपनी होड़ जारी रखी, जिसके कारण चिट्टी बाबू ने अपना विचार बदल दिया और भूपति को पैसे वापस कर दिए। राजमंदिरी में अपनी प्रेमिका पद्मा से मिलने गए कुमार बाबू पर गाँव के बाहरी इलाके में भूपति के समूह ने हमला कर दिया। सबसे पहले चिट्टी बाबू उसे मौत से बचाने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक नकाबपोश आदमी ने अपने पहले से ही घायल भाई का गला काट दिया। भूपति अपनी जान के डर से रंगस्थलम से भाग जाता है और चिट्टी बाबू उसे आसपास के गांव में खोजता रहता है। इस बीच रंगम्मा को सर्वसम्मति से गांव का अध्यक्ष चुना जाता है। बाद के दिनों में एक बिंदु पर चिट्टी बाबू नर्तकियों के एक समूह को उसी नाम के देवता को समर्पित भक्ति भजन में श्री मन्नारायण का पाठ करते हुए देखते हैं। वह याद करते हैं कि कुमार बाबू ने अपनी मृत्यु की रात कुछ कहने का प्रयास किया और महसूस किया कि वह श्री मन्नारायण
मथुरा रहे थे। चिट्टी बाबू मदद के लिए दक्षिण मूर्ति से मिलने जाते हैं, हालांकि उसे बहुत देर हो जा चुकी है क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चिट्टी बाबू अपने गांव लौटे बिना बेहोशी की हालत में दक्षिण मूर्ति के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि मूर्ति ठीक नहीं हो सकते हैं और इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं। चिट्टी बाबू विरोध करते हैं और 2 साल तक दक्षिणा मूर्ति की देखभाल करते हैं। एक दिन वह होश में आता है और चिट्टी बाबू उसे अपने घर वापस लाते हैं। इस जोड़ी के साथ राम लक्ष्मी भी है जो अब चिट्टी बाबू की पत्नी है। जैसा कि वे निजी तौर पर बात करते हैं, मूर्ति भूपति के बारे में पूछती है। चिट्टी बाबू जवाब देते हैं कि उन्होंने रंगस्थलम के बाहरी इलाके में उन्हें पीट पीट कर मार डाला। बाद में चिट्टी बाबू ने खुलासा किया कि कुमार बाबू की श्रीमन्नारायण के मरने वाले मंत्र के बाद मूर्ति ने अपने भाई की मौत के आयोजन के बारे में सीखा। निचली जाति से होने के बावजूद कुमार बाबू मूर्ति की बेटी पद्मा के साथ रिश्ते में थे। दक्षिणा ने इसका विरोध करते हुए उसे बाबू को मरवा डालने के लिए प्रेरित किया। चिट्टी बाबू ने 2 साल तक मूर्ति के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया ताकि वह मौत की पूरी पीड़ा का अनुभव कर सके। चिट्टी बाबू तब मूर्ति की हत्या कर देता है और राम लक्ष्मी के साथ इमारत छोड़ देता है क्योंकि पद्मा अपने पति के साथ आती है। तो कहानी काफी अच्छी, आप लोग देखिएगा मूवी को। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम बात करेंगे मूवी रंगस्थलम, आप लोग कैसे और कहाँ से देख पाएंगे वो भी फ्री में। साथ ही इस फिल्म के रिव्यू फैक्ट स्टोरी बताएंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। रंगस्थलम एक 2018 की भारतीय तेलुगु भाषा की अवधि की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। महात्री मूवी मेकर्स कंपनी के लिए वाई नवीन वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित फिल्म में रामचरण और सामंथा अक्किनेनी के साथ आदि पिनिसेट्टी, जगतपति बाबू, प्रकाश राज नरेश और अनुसुईया भारद्वाज प्रमुख भूमिका में है। रंगस्थलम 1980 के दशक में नामांकित काल्पनिक गाँव में स्थापित है। यह 2 भाइयों चिट्टी बाबू और कुमार बाबू की कहानी बताती है जो गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणीन्द्र भूपति ने नेतृत्व वाली भ्रष्ट सहकारी समिति का विरोध करते हैं। फिल्म 30 मार्च 2018 को रिलीज हुई। कार्यकारी समय 178 मिनट का। भारत में तेलुगु भाषा में रिलीज हुई। बजट था 60 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर इसने 216 करोड़ कमाए। साथ ही यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। रंगस्थलम नामक फिल्म का एक कन्नड़ डब संस्करण 12 जुलाई 2019 को जारी किया गया था। इस फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्म में से एक माना जाता है। फिल्म को IMDb द्वारा 10 में से 8.2 की रेटिंग मिली है। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहेंगे तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर फ्री में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में आप लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख पाएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा। कहानी की बात करें कुछ इस प्रकार है। कहानी रंगस्थलम नाम के एक गाँव के रहने वाले चिट्टी बाबू आंशिक रूप से बहरे गुस्सैल खुश मिजाज हैं। वह अपने दोस्त कोली रंगम्मा के स्वामित्व वाली मोटर का उपयोग करके सिंचाई के खेतों में पानी भरकर जीविकोपार्जन करते हैं, जिसे वह आटा चके रूप में संदर्भित करता है। और एक अन्य ग्रामीण महेश द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चिट्टी बाबू अपने माता पिता और बहन के साथ रहते हैं और राम लक्ष्मी से प्यार करते हैं, एक किसान जो शुरू में अपनी श्रवण हानि के अनजान। रंगस्थलम की स्थानीय सरकार का नेतृत्व पंचायत के अध्यक्ष करते हैं। परिन भूपति एक प्रभावशाली क्रूर जमींदार जो सहकारी समिति का दुरुपयोग करता है, उच्च ब्याज दर वसूलता है और अवैतनिक ऋण के बहाने किसानों की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करता है। कुमार बाबू चिट्टी बाबू का भाई जो रोजगार के लिए गांव छोड़ गया था, रंगस्थलम लौटता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि राम लक्ष्मी की भूमि को उनके ऋण का भुगतान करने न करने के कारण समाज द्वारा जब्त कर लिया गया है। वह और कुमार बाबू इस पर समाज का सामना करते हैं, यह दावा करते हुए कि उसकी माँ ने मरने से पहले इसका भुगतान किया था और खातों को फुलाया गया था। चिट्टी बाबू महेश से सीखते हैं कि भूपति के गुर्गे सेनू नाइट
नायडू के ने कुमार बाबू के कृत्यों के लिए गांव के सामने उनके पिता का अपमान किया था। चिट्टी बाबू राम लक्ष्मी से नाराज हैं और सेसु नायडू से लड़ते हैं। अगले दिन भूपति ने मदद करने से इनकार कर दिया और कुमार बाबू ने स्थानीय विधायक से संपर्क किया। दक्षिण मूर्ति को चिट्टी बाबू की जमानत की व्यवस्था की। मूर्ति के समर्थन से कुमार बाबू ने रंगस्थलम के अध्यक्ष पद के लिए खुद को नामांकित किया। वे समय के साथ ग्रामीणों से समर्थन प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ वार्ड सदस्य के पद के लिए नामांकित दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद रंगम्मा हालांकि चिट्टी बाबू को चेतावनी देती है कि कई लोग जिन्होंने भूपति के खिलाफ चलना चुना उनके पति भी शामिल थे। बाद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। चिट्टी बाबू को पता चलता है कि भूपति ने उन सभी की हत्या कर दी और होश आता है कि कुमार बाबू खतरे में पड़ सकते हैं। वह भूपति से रिश्वत लेता है और ग्रामीणों को अपना नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद कुमार बाबू ने नेतृत्व के लिए अपनी होड़ जारी रखी, जिसके कारण चिट्टी बाबू ने अपना विचार बदल दिया और भूपति को पैसे वापस कर दिए। राजमंदिरी में अपनी प्रेमिका पद्मा से मिलने गए कुमार बाबू पर गाँव के बाहरी इलाके में भूपति के समूह ने हमला कर दिया। सबसे पहले चिट्टी बाबू उसे मौत से बचाने का प्रबंधन करता है, लेकिन एक नकाबपोश आदमी ने अपने पहले से ही घायल भाई का गला काट दिया। भूपति अपनी जान के डर से रंगस्थलम से भाग जाता है और चिट्टी बाबू उसे आसपास के गांव में खोजता रहता है। इस बीच रंगम्मा को सर्वसम्मति से गांव का अध्यक्ष चुना जाता है। बाद के दिनों में एक बिंदु पर चिट्टी बाबू नर्तकियों के एक समूह को उसी नाम के देवता को समर्पित भक्ति भजन में श्री मन्नारायण का पाठ करते हुए देखते हैं। वह याद करते हैं कि कुमार बाबू ने अपनी मृत्यु की रात कुछ कहने का प्रयास किया और महसूस किया कि वह श्री मन्नारायण दोहरा रहे थे। चिट्टी बाबू मदद के लिए दक्षिण मूर्ति से मिलने जाते हैं। हालांकि उसे बहुत देर हो जा चुकी है, क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। चिट्टी बाबू अपने गांव लौटे बिना बेहोशी की हालत में दक्षिण मूर्ति के पास जाते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि मूर्ति ठीक नहीं हो सकते हैं और इच्छा मृत्यु का सुझाव देते हैं। चिट्टी बाबू विरोध करते हैं और 2 साल तक दक्षिणा मूर्ति की देखभाल करते हैं। एक दिन वह होश में आता है और चिट्टी बाबू उसे अपने घर वापस लाते हैं। इस जोड़ी के साथ राम लक्ष्मी भी है, जो अब चिट्टी बाबू की पत्नी है। जैसा कि वे निजी तौर पर बात करते हैं, मूर्ति भूपति के बारे में पूछती है। चिट्टी बाबू जवाब देते हैं कि उन्होंने रंगस्थलम के बाहरी इलाके में उन्हें पीट पीट कर मार डाला। बाद में चिट्टी बाबू ने खुलासा किया कि कुमार बाबू की श्रीमन्नारायण के मरने वाले मंत्र के बाद मूर्ति ने अपने भाई की मौत के आयोजन के बारे में सीखा। निचली जाति से होने के बावजूद कुमार बाबू मूर्ति की बेटी पद्मा के साथ रिश्ते में थे। दक्षिणा ने इसका विरोध करते हुए उसे बाबू को मरवा डालने के लिए प्रेरित किया। चिट्टी बाबू ने 2 साल तक मूर्ति के पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार किया, ताकि वह मौत की पूरी पीड़ा का अनुभव कर सके। चिट्टी बाबू तब मूर्ति की हत्या कर देता है और राम लक्ष्मी के साथ इमारत छोड़ देता है, क्योंकि पद्मा अपने पति के साथ आती है। तो कहानी काफी अच्छी, आप लोग देखिएगा मूवी को। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।